الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم ترجمة میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے ہم نے جیسے پہلے اسے بنایا تھا ویسے ہی پھر کر دیں گے یہ وعدہ ہے ہمارے ذمے ہم کو اس کا ضرور کرنا ہے اور بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے بے شک یہ قرآن کافی ہے عبادت والوں کے لیے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے
रहमत बनाकर भेजा है। वाखिरु दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मदीने का मुसाफिर हूँ, 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 मदीने का मुसाफिर हूँ। सलाम ने पाक रस्तों पे जहाँ सरकार गुजरे हैं, सलाम ने पाक गलियों पे जहाँ हंसने सहरा जहाँ के फरिश्ते भीख लेते हैं, उन्हीं रस्तों उन्हीं गलियों उसी दर का मुजाविर हूँ, मदीने का मुसाफिर हूँ, मदीने मुसाफिर हूँ, मदीने का मुसाफिर हूँ, मदीने का मुसाफिर हूँ। ऐ ज़वारों मोहम्मद के तुम्हें सर पर उठाऊंगा। अल्लाह से दुआ है कि आप तमाम अहबाब को अल्लाह उम्रे की सादत नसीब फरमाए और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यारत नसीब फरमाए, और जब आप सब लोग जाएं तो फिर मैं आपके सामने ऐसे पेश हूं। ऐ ज़वारों मोहम्मद के तुम्हें सर पर उठाऊंगा, तुम्हें रस्ते में मैं सरकार की नाते थक कर बैठ जाओगे मैं पैरों को दबाऊंगा, मेरे हमराह हो जाओ मैं हर खिदमत को हाजिर हूँ, मदीने का मुसाफिर हूँ, मदीने मदीने का मुसाफिर हूँ, मदीने का मुसाफिर हूँ। बकिया जात ही खुद को जमीन में दुनिया को सुनाऊंगा, धड़कता है ये दिल कितना मैं बदलाने से कासिर हूँ, मदीने का मुसाफिर हूँ, मदीने का मुसाफिर हूँ, मदीने इस वक्त प्यारा रमजान में सजी है। अल्लाह करे अल्लाह हमें वो मौका दे कि हम मदीने मुनव्वरा जाकर सरकार की महफिल सजाएं, और फिर हाँ रोजे के रूबरू फिर क्या लुत्फ होगा कि मदीने जाते ही
मदीने जाके मैं सरकार की महफिल सजाऊंगा, मैं खुद सरकार को सरकार की नाते कर जालियां उनसे सनद बख्शीश पाऊंगा, करम रम फरहान पर कर दे मेरे आका, मैं जाहिर हूँ मदीने का मुसाफिर हूँ, मदीने दीने का मुसाफिर हूँ, दीने का मुसाफिर हूँ। बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईन रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। एक्सप्रेस टीवी की खुसूसी अफ्तारी नशरियात में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी इब्तिदा में हुसैन नारायण साहब ने तिलावत कुरान पाक की सआदत हासिल की और उसके बाद हम सब ने एक नातिया कलाम पढ़कर वो रहमतें और बरकतें समेटी जो अल्लाह अपने हबीब के सदक़े में बरसाता है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिना शेफ उरूज और महम आमिर और महदी और अलवीरा, जो हमारे प्यारा बचपन के सेगमेंट के प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं। नाज़रीन, आज सातवा रोज़ा हमने इख्तियार किया। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं कि जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब तक जो हम बात करते आए हैं वो बात करते आए हैं इंसानियत पर, इंसान को इंसान के साथ कैसे रहना चाहिए। लेकिन आज हम बात करते हैं उनके बारे में जो इंसान नहीं है, लेकिन जो इंसान है, जो जानवर है, जो परिंदा है, ये जितनी भी शय है ना, अल्लाह अज़्ज़ो जल ने मेरे प्यारे हबीब, मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ मुसलमान ही के लिए नहीं, सिर्फ इंसान ही के लिए नहीं, बल्कि तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। अभी कुरान पाक की तलावत में भी आप यही समात फरमा रहे थे कि अल्लाह ने मेरे प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। और जब रहमत बनाकर भेजा तो वो रहमत की निगाहें हर शय पर हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो चरिंद हो, चाहे वो परिंद हो। मैं आज आप बात करूंगा कि हम लोग जानवरों के साथ क्या सलूक करते हैं, अच्छा भी करते हैं और बुरा भी करते हैं। और इस्लाम में जानवरों के हुकूक और जानवरों की अहमियत को किस तरह से उजागर किया गया। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मैं एक जगह जा रहा था मार्केट में, तो गाड़ी में खड़े खड़े मैं कुछ ख़रीद रहा था, तो बराबर में ही एक गधा था, उसके साथ गाड़ी बंधी थी, यानी जिसको गधा गाड़ी कहते हैं। तो वो गधा जो है उसकी गर्दन मेरी गाड़ी के बोनट पर थी और वो हाँप रहा था। तो मैंने इधर उधर देखा तो फिर थोड़ी देर बाद नज़र आया कि इसका जो मालिक था वो सामने वाली दुकान से पानी खरीद कर पी रहा था। तो जब वो करीब आया अपने गधे को लेने के लिए तो मैंने उससे कहा कि भाई इसको भी कुछ खिलाओ पिलाओ यार, ये भी तो अल्लाह की मखलूक है, ये इंसान नहीं है तो क्या तुम्हारे कितने काम आता है। तो पता है उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा कि भाई इसको अगर हम अभी खाना खिला देंगे, पानी पिला देंगे ना, तो इसका पेट भर जाएगा और ये काम नहीं कर पाएगा फिर। अल्लाह हू अकबर।
यानी उस गधे को भूखा रखा है, उस जानवर को प्यासा रखा है, सिर्फ इसलिए कि इसका पेट भर जाएगा तो ये काम नहीं कर पाएगा। ये रवैया ये नहीं सिखाया हमारे इस्लाम ने, बल्कि मैं तो समझता हूं कि किसी भी शायद मजहब में ये जुल्म करना किसी मजहब में भी नहीं सिखाया। जो भी इस्लाम से पहले जितने भी अल्लाह की किताबें आईं उनमें जितने तौरात, जबूर, इंजील, कुरान मजीद, मैं समझता हूँ शायद किसी में भी किसी जानवर पर जुल्म करने का हुक्म नहीं दिया गया, क्योंकि अल्लाह की मखलूक है। और हम तो उनकी उम्मत हैं जिनको जिन्होंने परिंदों से प्यार किया, जिन्होंने चींटियों से प्यार किया, जो सबकी बोलियां जानते हैं, जो सबके दिल का हाल जानते हैं। देखो मखलूक तो अल्लाह ही की है ना, जानवर हो या कोई भी हो। हम क्या करते हैं, हम अक्सर जो पालतू जानवर होते हैं, यानी किसी ने अगर कोई बिल्ली है वो घर में पाली हुई है, उसको तो बहुत प्रोटोकॉल मिलता है। और जो बेचारी बिल्ली गली में घूम रही होती है, वो भी एक माँ होती है जो अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने निकलती है, और हम कैसे उसको पत्थर मार कर भगा देते हैं। मैंने तो बहुत सारे लोगों को ऐसे लात मारते हुए देखा है। हम खाना खाने बैठते हैं अक्सर किसी ऐसे रेस्टोरेंट पे जो आउटडोर होता है, कोई ढाबा होता है, अक्सर हम बैठ जाते हैं। उमन आप में बहुत सारे लोग बैठते होंगे, तो आप देखते होंगे जब आप खाना खा रहे हैं तो एक बिल्ली कोने पर आके बैठ जाती है, और मैंने लोगों को लाते मारते हुए देखा है, और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपने खाने में से थोड़ा सा हिस्सा उस जानवर के लिए रखते हैं, क्योंकि ये भी अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, ये आपकी तरह बोल तो नहीं सकती मगर एहसास तो रखती है। हम सलाम है उन लोगों पर, अक्सर मैं देखता हूं कि जो अपने घरों पर, घरों के बाहर या घर के मचान पर या दरवाजे की चौखट पर पानी रखते हैं उन परिंदों के लिए, कि अगर उनको प्यास लगे तो वो पानी आकर पी लें। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपने शौक की गरज से, एक तो होता है ना कि ये मेरी अपनी ओपिनियन है, इसमें आप इससे एग्री हो या ना हो, ये मैं खुद मेरी अपनी जात मेरा अपना जाती ख्याल है कि बहुत से लोग शिकार के शौकीन होते हैं। एक शिकार वो होता है कि जब आप जंगल में निकले हुए या कहीं गए और आपको भूख लग रही है, खाने के लिए आपको शिकार तो करना ही है, खाना तो खाना ही है, तो ये तो जायज़ है। लेकिन एक शिकार वो होता है कि जो सिर्फ अपने शौक के लिए किया जाता है, अपनी शान दिखाने के लिए किया जाता है। एक परिंदा उड़ता हुआ जा रहा है, उसको मारना है, उसको गिराना है और लोगों से दाद लेनी है कि वाह यार क्या निशाना था। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं जब हम ऐसे इलाकों में जाते हैं, सहराई इलाकों में, तो अक्सर लोग कहते हैं कि फरहान भाई शिकार पर चले, तो मैं आज तक नहीं गया, मेरा दिल ही गवारा नहीं करता। एक याद है आपको कि बचपन में एक हम उर्दू में एक सबक पढ़ा करते थे सुबुक्तगीन का, कि जो हिरनी का शिकार करने गया था और हिरनी का बच्चा उसे मिल गया था, या उसको हिरनी मिल गई थी और फिर वो हिरनी का बच्चा उसको देख रहा था हसरत से, फिर उसने उसको छोड़ दिया था। वो मेरे दिल पे आज तक रकम है वो वाकया, कि माँ बाप इंसान ही में नहीं होते, जानवरों में भी होते हैं। वो परिंदा जो सुबह घर से निकलता है, जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ना कि तवक्कल करना सीखना है तो उस परिंदे से सीखो जो अपने घर से निकलता है और चोंच में दाना लेकर आता है इतना कि अपने बच्चों को खिला सके, जखीरा नहीं करता, इस तवक्कल के साथ, इस यकीन के साथ कि जिसने आज रिस्क दिया है वो कल भी देगा। ये जो परिंदे हैं ये सुबह ही सुबह निकलते हैं अपने घर से चहचहाते हुए, जो आपके कानों में रस घोलते हुए जाते हैं, और जब ये वापस आ रहे होते हैं तो अपने बच्चों के लिए रिस्क लेकर आ रहे होते हैं। मगर एक गाड़ी आती है, एक शिकारी आता है, एक गन चलाता है, गोली चलाता है, वो जमीन पे तो गिर जाता है, उसको ये एहसास नहीं होता कि ये भी अपने बच्चों के लिए खाना लेने जा रहा था। जरा सोचिए, अल्लाह ना करे कि उसी शिकारी का कोई शिकार कर ले, फिर वह ऐसा जब जंगलों में जाते हैं ना तो
जब आपसे ऊपर की कोई चीज आ जाती है ना, जब शेर या चीता आप पे हमला करता है, तो फिर उस वक्त सोचे कि आपके घर वालों की हालत क्या होती होगी। यही हालत उन जानवरों की भी होती है। हमें अशरफुल मखलूकात बनाया अल्लाह ने, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दूसरी बात कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से, इससे बड़ा एजाज हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन इस बात पर फख्र होना तो बनता है कि हम फख्र है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। हमें इस बात पर फख्र है कि हम अशरफुल मखलूकात हैं। लेकिन गुरूर किस बात का, यानी अल्लाह ने अगर आपको अशरफुल मखलूकात बना दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जानवरों को मारते फिरें, आप कीड़े मकोड़ों को रौंदते फिरें। आपको पता है ये कीड़े मकोड़े आपके रिस्क में कितना इजाफा करते हैं, आपको शायद अंदाजा नहीं है। रिवायतों में मिलता है कि अगर आप आटा और सूजी और चीनी बराबर मिकदार में करके अपने घर से निकल के उन जगहों पर जहां चूंटियां होती हैं वहां डाल दें, तो ये चूंटियां जखीरा कर लेती हैं कई कई दिनों के लिए, कई महीनों के लिए। और ये जब तक खाती रहती हैं आपको दुआ देती हैं। ये जो हम अक्सर समंदर में जाकर मछलियों को खाना डालते हैं, कुछ तो शिकार की गरज से डालते हैं ना कि खाना डाला वो खाना खाने के लिए आएगी और हम उसको पकड़ लेंगे। एक होता है खाने के लिए, जरूरत के लिए शिकार करना, एक होता है सिर्फ शौक के लिए, खाना वाना कुछ नहीं। और कुछ लोग होते हैं जो आटा डालते हैं, ऐसे आटा या कोई भी चीज डालते हैं, वो जब उसको, वो मछलियां जब तक उनके पेट में रहता है ना, वो मछलियां, वो अल्लाह की मखलूक, आप इंसानों के लिए दुआ करती हैं। मैंने मछली के शिकार करने वालों को ऐसे भी देखा है कि वो कहते हैं जी मछली ताजा रहे, तो मछली पहले उसने पकड़ ली, अभी उसने और मछलियां पकड़नी है, अभी उसने अगर दो मछलियां पकड़ी तो उसने मछली के गर्दन में ऐसे सुआ पिरो के और उसको पानी में रख दिया कि ये जिंदा भी रहे ताकि जब मैं निकाल के लेके जाऊं तो ये ताजा खाने को मिले। अब ये सोचिए जितने घंटे आप वहां बैठ रहे हैं वो तड़प कितना रही होगी, वो अल्लाह से ये दुआ कर रही होगी, अल्लाह इसके दिल में रहम डाल या तो मुझे मौत ही दे दे। उसी पानी में उस मछली के बच्चे भी तड़पते हुए इस मां को देख रहे होंगे या मां अपने बच्चे को देख रही होगी। नाज़रीन सोचे तो बहुत कुछ है, नहीं सोचें तो कुछ भी नहीं है। लेकिन याद रखिए हिसाब आपको और हमें देना है। मैं आपको एक वाक्य बताता हूं जो सनने अबू दाऊद से रिवायत ली गई है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जाफर अलैहिस्सलाम से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के बाग में तशरीफ ले गए, वहां एक ऊंट ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो रोना शुरू कर दिया। उस ऊंट ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर रोना शुरू कर दिया। हाय, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास तशरीफ लेकर गए और उसके आंसू पोंछे। जब आंसू पोंछे तो उस ऊंट ने रोना बंद कर दिया। रहमतुल आलमीन है ना, रहमत की निगाहों से देखा, उस ऊंट ने रोना बंद कर दिया। फिर आपने पूछा कि इसका मालिक कौन है। एक अंसारी ने अर्ज किया कि मैं इसका मालिक हूं, ये मेरा ऊंट है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप इनके बारे में अल्लाह से डरते क्यों नहीं हो, इसने तुम्हें इनका मालिक बनाया है, मालिक बनाया है अल्लाह ने इसे, अल्लाह ने तुम्हें इसका मालिक बनाया है। ऊंट ने मुझे आपकी शिकायत की है, तुमने इसको काम ज्यादा दे दिया है और इसको भूखा रखते हो। अल्लाहु अकबर। मैं समझता हूं कि इस रिवायत के बाद जो रसूल के उम्मती हैं, हम सब जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हैं, कम से कम इस सुन्नत पर तो जरूर अमल करें कि मेरे रसूल ने जानवरों से भी प्यार करना सिखाया। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें ये तौफीक दे कि हम
हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अहले बैत अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चल सकें, जहाँ पर जिसका जो हक है वो दिया जाता है। दिल पर बात असर करे तो इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद, देखते रहिए प्यारा रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अलीवारी। हमारी ट्रांसमिशन है प्यारा रमज़ान, तो इसके हर सेगमेंट है प्यारा। प्यारा कैसे लगी, प्यारा इल्म, प्यारा वजीफ़ा, प्यारा बचपन। तो ये जो हमारा सेगमेंट है ये है प्यारा कैसे लगे, जिसमें हमारे साथ डॉक्टर हिना अनीस होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हिना? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूं। अच्छा हिना, ये बताइए कि प्यारा कैसे लगे में आज आप क्या, आज कोई रेसिपी तो खैर मुझे नहीं लग रही है, शायद रेमेडी बना रहे। रेमेडी बना, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा फरहान, ऐसा होता है कि अब जैसे रोज़े तो जा रहे हैं, वैसे भी हमारे पास क्योरीज आ रही होती हैं कि स्किन पे फाइन लाइंस आ रही होती हैं, रिंकल्स आ रही होती हैं। क्लिनिक पे तो हम ट्रीटमेंट्स कर ही रहे होते हैं और फाइन लाइंस और रिंकल्स की वजूहत एजिंग भी होती है, ड्राइनेस भी होती है, वेदर भी होता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट का ओवर यूज़ भी होता है, तो बहुत सारी ऐसी वजूहत भी होती हैं। लेकिन क्योंकि हमें तो पब्लिक को रेमेडीज़ भी बतानी होती है, इसके क्विक हल भी बताने होते हैं, तो आज मैं एक बहुत अच्छी सी रेसिपी ऐसी लाई हूँ कि जिसका इस्तेमाल घर में पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद तमाम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। ये सेफ़ भी है, ये क्विक भी है और इसमें कोई ऐसा हार्मफुल केमिकल यूज़ नहीं हुआ, ऑल नेचुरल है और ये इतनी सेफ है कि हर उम्र का हर इंसान इसको यूज़ कर सकता है और इसका हर वो इंग्रीडियंट है जो हमारे किचन में बहुत इजीली अवेलेबल है। अच्छा अच्छा, इसमें बहुत आसानी से इजीली अवेलेबल है अंडे की सफेदी, एग वाइट, एक अंडे की सफेदी है, वन एग वाइट है। ये जो मास्क है ये इजीली दो दफ़ा यूज़ किया जा सकता है। आप इसको बना के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, वीक में 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करें, ठीक है ना, तो बहुत आपको स्किन पर एक अच्छा लिफ्ट आएगा। ठीक है, पहले मैं इसकी रेसिपी बताती हूँ। 1 एग वाइट, ठीक है, मैंने फुल 1 एग वाइट ले ली। बिल्कुल। इसमें मैंने लिया है और 2 टेबल स्पून ऑफ मिल्क है, फ्रेश मिल्क है, ठीक है, ठीक है ना। 2 टेबल स्पून ऑफ फ्रेश मिल्क में पहले मैं घोल लूँगी 2 टेबल स्पून ऑफ राइस फ्लावर, चावल का आटा बहुत आसानी से बाजार में मिल जाता है। बिल्कुल। चावल अच्छा, का ये स्क्रीन पर आपके जो रेमेडी कार्ड है ये दिया जा रहा है, आप इसको नोट कर लीजिए या इसकी तस्वीर ले लीजिए ताकि डॉक्टर हिना अनीस जो आपको बता रही हैं ये आपको बाद में बनाने में आसानी रहे। जी बिस्मिल्लाह। और इसके साथ साथ 1 टीस्पून मैं ले लूँगी शुगर, ये पतली वाली चीनी। चीनी जितना खाने में नुकसानदेह है इतना लगाने में बहुत अच्छी है। इसका साइंस मैं आपको बताती हूँ। जी वाइट शुगर, वाइट शुगर में होता है ग्लाइकोलिक एसिड, तो ग्लाइकोलिक एसिड आपके स्किन पे जितने दाग धब्बे और झाइयाँ हैं उसको भी रिमूव करने में मदद देता है। और चावल के आटे में होता है विटामिन बी और प्रोटीन और वो एसिड मौजूद होता है जिसमें हम लिफ्ट कर सकते हैं, एंटी एजिंग है। प्रोटीन होता है, विटामिन बी होता है, विटामिन बी आपके स्किन के कोलेजन को बिल्ड करता है। तो चावल का आटा कोलेजन होता है, एग वाइट आपका अगेन प्रोटीन है और कोलेजन है, तो ये सारा ये कोलेजन बिल्डिंग एक मास्क बन रहा है। अब ये जो मैंने पेस्ट बनाया इसको मैंने डाल दिया इस एग वाइट में, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको एग वाइट में डाला अब मैं इसको अच्छी तरीके से बीट करूंगी, इतना मैं इसको बीट करूंगी कि ये क्रीम एक मास्क की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अच्छा, स्क्रीन पर आपके नंबर्स दिए गए हैं और जो अभी लाइव कॉल करके डॉक्टर हिना अनीस से कुछ पूछना भी चाहते हैं तो अभी आप कॉल कर लीजिए, बल्कि कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक है जी। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है और बहुत अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया। और एक मैंने कलाम की आपसे फरमाइश करनी है, प्लीज जरूर पढ़िएगा। जी जरूर, बताइए। हर जमाना मेरे हुसैन का है। जी मैं जरूर पढ़ूंगा जब कलाम का सेगमेंट आएगा तो इंशाल्लाह। आज अगर आज मौका हुआ तो आज वरना किसी और दिन मैं पढ़ूंगा इस रमज़ान में ज़रूर। अभी बहुत सारी फरमाइशें जमा भी हुई हुई हैं तो आप डॉक्टर हिना अनीस से भी आप कुछ सवाल करना चाहेंगी रेमेडी के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हिना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप?
जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप क्या पूछना चाहेंगी? जी मैंने ये पूछना है कि मेरे बाल जो है ना वो बहुत ज्यादा गिरते हैं, ठीक है, तो उनके लिए आप कुछ बता दें मुझे क्या है बाजू बाल इनके गिरते हैं? अच्छा बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं। अच्छा बाल गिरते हैं, आपको कोई हार्मोनल इश्यूज तो नहीं है या आपने बालों में कोई कलर या कोई ऐसा ट्रीटमेंट तो नहीं करवाया? कलर वगैरह तो मैंने करवाए हुए हैं। अच्छा कलर वगैरह उस ट्रीटमेंट के बाद अचानक गिरना शुरू हो गए? उसके बाद। अच्छा अच्छा आपने कुछ ऐसा देखें ट्रीटमेंट जब कहीं हम ऐसी वैसी जगहों से करवा लेते हैं तो अक्सर लोगों के गिरना शुरू हो जाते हैं, बट आप परेशान ना हो, रोज़मेरी एक हर्ब आता है, रोज़मेरी हर्ब आप 2 चम्मच ले लें, उसको पानी में खूब उबालें, जब उस वो आधा रह जाए, 1 कप पानी में आप 2 चम्मच रोज़मेरी को उबाल लें, जब वो आधा रह जाए और हल्का ठंडा हो जाए तो उसमें 1 चम्मच अदरक का जूस मिला लें और उसको एक स्प्रे बॉटल में डाल के रख लें और रोज़ रात को आपने वो स्प्रे अपने बालों की रूट्स में लगा के सो जाना है। इंशाल्लाह आपकी जो बालों की जड़ें हैं वो मजबूत हो जाएंगी और जो भी केमिकल रिएक्शन आपकी बालों की जड़ों में हुआ हुआ है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। ठीक है ठीक। अच्छा मैंने ये किया कि थोड़ा सा ये मुझे थिन लग रहा था, ये पतला लग रहा था, तो मैंने 1 चम्मच चावल का आटा और मिला दिया। ओके सर। अब ये एक थिक मास्क बन गया। आपने लगाने का इसका तरीका ये है कि किसी भी अच्छे फेस वॉश से मुंह को अच्छी तरह साफ करना है, नेक को भी या हाथों पे भी लग सकता है, अच्छी तरीके से क्लीन करना है, क्लीन करके ड्राई करना है, ड्राई करने के बाद इसको किसी भी ब्रश की मदद से हाथों और गर्दन पर लगा लेना है और 15 मिनट्स के लिए छोड़ देना है, पंखे के नीचे या कहीं भी आप आराम से रेस्ट करें और इसके बाद ठंडे पानी से फेस को वॉश कर लें। 1 हफ्ते तक इसको डेली लगाना है। आप 1 हफ्ते तक इसको डेली लगाएं। आंखों का हिस्सा आप छोड़ दें जरा। जो मर्द हजरात हैं वो दाढ़ी, हाँ दाढ़ी, जिनके बाल हैं मर्द हजरात के, जिनके बाल हैं दाढ़ी पे बियर्ड है वो दाढ़ी वाला हिस्सा छोड़ दें, अदरवाइज पूरे फेस पे आंखों का हिस्सा छोड़ के गर्दन की तरफ आप लगा लें, हाथों पे लगा लें और आप इसको 1 हफ्ते तक डेली लगाएं। 1 हफ्ते बाद दिन में वीक में 3 दफा लगाएं, फिर 3rd वीक में आप वीक में 2 दफा लगाएं। ये ट्रीटमेंट आप होम मेड ट्रीटमेंट आप करके देखें, इंशाल्लाह ऐसा आपको फील होगा कि आपने क्लिनिक आके कॉलेजन ट्रीटमेंट करवा लिया है, ये इतना अच्छा कॉलेजन बिल्डिंग मास्क है आपके लिए। और भी अगर किसी को कोई कॉल करनी हो तो आप पूछ सकते हैं कॉल करके। बहुत जबरदस्त, हमें एक कॉल करनी है आप। अच्छा एक होती है टेलीफोन कॉल, एक होता है कॉल बुलाना। आज हमारी जो गेस्ट है वो हमारी गेस्ट आज बहुत अच्छी गेस्ट हैं जिनको आप भी जानती हैं और हम भी जानते हैं और ये जितने नाज़रीन हैं आप भी इनको जानते हैं और टीवी पर आप इनको देखते भी हैं और इनको पसंद भी करते हैं और सिर्फ इन्हीं को नहीं देखते, इनके वालिद साहब को भी देखते हैं, इनके भाई को भी देखते हैं, एक पूरी फैमिली, इनके चचा को भी आप देखते हैं, इनकी पूरी फैमिली को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और इनको आपने हमारे साथ रमज़ान ट्रांसमिशन में भी एक चैनल पर देखा है और ये बहुत अच्छी होस्टिंग भी करती हैं और आज इत्तफाकी की बात है कि आज फिर एक रमज़ान ट्रांसमिशन है और आज वो हमारी मेहमान हैं और हमारी मेहमान हैं मोमल शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रमज़ान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम आप सबको भी जो सेट पे यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि आप लोगों को नज़र नहीं आ रहे होंगे लेकिन काफ़ी लोग इस तरफ आ जाइए, लोग यहाँ पे काम, माशाल्लाह मोमल ने फॉरेन जेस्टर दिया होस्ट वाला। आपको रमजान याद आ गया है ना? रमजान याद आ गया, बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? काफी अरसे बाद मुलाकात हुई है उस रमजान ट्रांसमिशन के बाद, है ना? बिल्कुल, मैंने और फरहान ने हम लोगों ने समा पे एक शो किया। अच्छा। जो मैं मॉर्निंग शो होस्ट करती थी। जी बिल्कुल, और काफी कुछ मुझे इनसे सीखने को मिला। अच्छा, और मैं ये बात बताऊं कि मैं आपके फादर के साथ काफ़ी शोज़ कर चुकी हूं और मैं और आपके फादर ऐसी ऐसी दोस्ती है मेरी ना उनसे कि मेरी बर्थडे होती है और अगर वो जब नहीं आ सकते तो उनका एक छोटा सा ऐसा मैसेज आता है, इतनी अपनाइयत और इतनी मिठास, मुझे लगता है आप उनकी बेटी बाद में और वो हम सब के बहुत प्यार करने वाले चाहने वाले, हम सब उनसे लर्न करते हैं। बिल्कुल, आई मीन ही जावेद शेख साहब से वाकई हमें बड़ी मोहब्बत मिली एक ट्रांसमिशन में कुछ साल पहले ही रमज़ान में हमारे गेस्ट बनकर आए थे। फिर एक बार मेरी उनसे दुबई में लाउंज में मुलाकात हुई। बिल्कुल, कहते हैं ना कि बड़ा इंसान वो होता है जो बड़ा इंसान वो नहीं होता जो स्क्रीन पर बड़ा है, बड़ा इंसान वो है जो ज़ाती ज़िंदगी में बड़ा। एग्जैक्टली ऐसे ही। और मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बड़ा इंसान वो है कि जिसकी महफिल में कोई अपने आप को छोटा ना समझे। तो बहरहाल आप तो खुशनसीब हैं कि इतनी ज़बरदस्त शख्सियत आपके वालिद हैं और
बड़ा प्यार वो करते हैं और टैलेंटेड भी और पंक्चुअल भी बहुत है ना। पंक्चुअल भी बहुत है, नहीं पंक्चुअल में से शादी, मेरी शादी पे तो बिल्कुल पंक्चुअल नहीं थे। अच्छा, वो एक अलग किस्सा है, किसी और दिन सुनाऊंगी आपको। ठीक है, बट हाँ वैसे अपने काम के सिलसिले हाँ, में हाँ डेफिनेटली ही इज पंक्चुअल। तो अभी मेरे ख्याल से उस ट्रांसमिशन के बाद, उसके बाद आपने रमजान होस्ट, रमजान मैंने कुछ होस्ट एज सच नहीं किया, फिर वो ड्रामों के ऊपर ड्रामे के ऊपर याद तो आती होगी वो रमजान का, वो जो बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है। और जब भी मैं कोई रमजान शो देखती हूँ मुझे बहुत याद आती है, क्योंकि इससे आपको मेरे ख्याल से हर बार कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। आप अपनी आदतों को चेंज करने की कोशिश करते हो, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की कोशिश करते हो। तो ये ट्रांसमिशंस जो होती हैं ये हमारा एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम मीन्स कि सब ऑडियंस के लिए, जब हम एज एन ऑडियंस देख रहे होते हैं कुछ चीज़ें जो हम भूल जाते हैं, कुछ चीज़ें हमें याद नहीं रहती। अब जैसे कि आपके कुकिंग सेगमेंट है, अब हम औरतें जो घर चलाती हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है आज क्या बनाए हैं। आजकल ये है इफ्तारी में पकौड़े, समोसे, रोल, फ्रूट चाट, चना चाट, दही फुल्की, और क्या क्या करें। अच्छा, ये हमारे मोहल्ले में भी होता था, खुश रखे हमारे महल्ले में भी होता था कि जब हम जिस इलाके में पहले रहते थे मार्टन रोड में, तो सारा मोहल्ला फैमिली की तरह ही होता था। जब हम अक्सर सुबह के टाइम, यानी ये जो टाइम होता है ना 10-11 बजे का, जब सब्जी वाला गली में आता है, बिल्कुल, तो जितनी भी हमारी आंटीज होती थी मोहल्ले, सब एक साथ, वो सब यही बातें कर रही होती थी, क्या बनाया आज, क्या बनाया, ये सवाल तो है। तो आपकी जो रेसिपीज होती है नई नई देखने को मिल जाती हैं, तो वो आप यू नो अडॉप्ट करते हो। नॉट जस्ट द रेसिपीज, जो बातें होती हैं जो आप बच्चों के साथ बैठते हो और आपको याद नहीं हो रही थी, आप बच्चों को बिठा दो साथ में कि उनको भी एक इन्फॉर्मेशन मिल। रमजान आपका रूटीन में कैसे गुजरता है फिर, यानी जब आप होस्टिंग कर रही थी वो तो अलग बात है, लेकिन काम जब आप होस्टिंग नहीं कर रही तो आप अब फिर रूटीन लाइफ में, जाहिर है आपकी जो फील्ड है एक्टिंग की उसमें भी आप मसरूफ रहती हैं जी, बिल्कुल। तो फिर रमजान में मैनेज कैसे होता है ये सारी चीज़? हर रमजान डिफरेंट होता है डिपेंडिंग कि काम कितना है। मैं कोशिश करती हूँ कि रमज़ान में काम ना करूँ, एज इन ड्रामे ना करूँ। ठीक है, शोज वगैरह तो फिर निकल जाते हैं, लेकिन ड्रामे में ये होता है कि आपको अपनी पूरी इनपुट देनी होती है। रमज़ान में मैं सोचती हूँ कि बंदा वैसे ही थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। हमारी ट्रांसमिशन देखती हैं आप एक्सप्रेस की? मैं बिल्कुल देखती हूँ, एक्सप्रेस सबसे मेरा अच्छा, फेवरेट सबसे अच्छा काम अब यही करती हैं मैं, बिल्कुल। बाकी काम तो बच्चों को भी दिखाती हूँ। तो बच्चे कैसे, इब्राहिम कैसा है? इब्राहिम बिल्कुल ठीक। और का नाम क्या छोटी? अलेहा। अलेहा, माशाल्लाह, अल्लाह नसीब अच्छे करे। बस दुआओं में याद रखें, दुआओं की सख्त ज़रूरत है। हमारे बच्चों की नसीब अच्छे करे, हमारे मुल्क में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं बिल्कुल वो ठीक हों, क्योंकि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का ही सवाल है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप कल हम ऐसी बात करते हैं, सॉरी मैं एक बात को सिर्फ बढ़ाना चाहूँगी कि बच्चों की एजुकेशन के बारे में कि ज़रूरी है कि बाहर भेजना है। अब तो इतने पैसे और हालात नहीं रहे कि आप डॉलर्स और पाउंड, ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। बट उससे बड़ा ये सवाल है कि क्या मैं बात कर रही हूँ बच्चों को भेजने की यूनिवर्सिटी और पढ़ाई के लिए, वो तो यहाँ पे भी पढ़ लेंगे। यहाँ तो रमज़ान में बंदा अफ्तारी नहीं कर पा रहा, अपने घर अफ्तारी नहीं ले जा पा रहा और सहरी नहीं दे पा रहा। तो मेरी तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये सुनकर, ये सोचकर, ये समझकर कि किस किस की मदद करें और कैसे मदद करें। तो मेरी अपील ये है कि हमारी आवाम जो देख रही है, जो जहाँ जिस तरीके से मदद कर सके प्लीज़ मदद करिए। क्योंकि और सिर्फ इस महीने की बात नहीं है, मैं एक्चुअली मैंने ये भी सोचा कि मैं ये सिर्फ बात इस महीने में नहीं करूंगी, मैं पूरी साल करूंगी, क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है। कमिटमेंट का महीना है ना इसमें, आपने कमिटमेंट का डेफिनेटली महीना है, बट उसके बाद भी आप इस चीज को रखें, क्योंकि हमारे इसमें जो आपने इरादा कर लिया वो सिर्फ इस महीने का नहीं है, ये पूरे साल का, पूरे साल का होना चाहिए, देते रहे। एक कॉल हमारे पास मौजूद है, अगर आप इजाजत दें तो आपके लिए कॉल आई है, आपके फैंस आपको कॉल करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं जी, कॉल देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रही हैं और कहां से बोल रही हैं? जी मैं फातिमा बात कर रही हूं लाहौर से। जी फातिमा कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। जी फातिमा कैसा गुजर रहा है रमजान आपका? लाहौर में तो गर्मियां शुरू हो गई हैं। जी जी है ना, सहरी सहरी में लस्सी वगैरह पीती होंगी अब तो, है ना, लाहौर में लस्सी पीती है ना। अच्छा अब ये बताइए कि क्या मोमल शेख आपके सामने मौजूद हैं और अब आप रूबरू उनसे बात कर सकते हैं? बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुमल, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ।
ओह थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ड्रामा रजिया बहुत हिट हुआ है माशाल्लाह से, हमें बहुत, हम सबने बहुत उससे देखा है आपका ड्रामा। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग का प्यार है बस। अब नेक्स्ट ड्रामा जल्द से जल्द करें ताकि हम आपको स्क्रीन पे जल्द से जल्द देख सकें। जी बस इंशाल्लाह जल्द से जल्दी होता है, कोशिश होती है, बच्चों को भी देखना होता है, घर को भी संभालना होता है, तो जरा कर लेते हैं मैनेज, बट इंशाल्लाह यू गाइस विल सी मी सून। इंशाल्लाह इंशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा आपकी पूरी फैमिली माशाल्लाह, जिन जिन से मैं मिला हूँ, जावेद शेख साहब से मिला, सलीम साहब से तो अभी तक मुलाकात नहीं हुई, आपकी चाचा जी अच्छा, कभी मुलाकात कभी, वो बाहर बाहर वो लाहौर में होते बट काफी बैक एंड फोर्थ करते रहते हैं, है ना, अब थोड़ा सा नजर आना शुरू हुए थे दोबारा भी जी, जी 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 जी। बाकी बहरोज साहब आपके पापा हुए हैं, हां बहरोज साहब से एक बार मुलाकात हुई थी मेरी लाहौर में, अच्छा माशाल्लाह, जहाज में, तो मेरा उनका आई कॉन्टेक्ट हुआ था इससे पहले कि मैं उनसे सलाम करता, उनकी अखलाकियात की बुलंदी थी कि उन्होंने मुझे सलाम किया कर दिया। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आपका वो कलाम काश में दौरे पैगंबर, बड़ा कमाल कलाम है। अच्छा एक मज़ेदार बात क्या हुई, इत्तफाक ये था कि उस फ्लाइट में बहुत सारे मेरे ख्याल से एक्टर्स और सिंगर्स भी जा रहे थे, क्योंकि वो आई थिंक पीएसएल का कोई शो वगैरह भी था, तो मेरी ना बैक टू बैक दो तीन दिन ऐसे ही फ्लाइट थी, एक दिन आया फिर गया, तो इस तरह जब मैं जा रहा था तो उस फ्लाइट में ही मैंने देखा बहरोज साहब भी हैं, तो मैंने उनसे कहा कि आप वहाँ जा रहे हैं कजाफी स्टेडियम, कहते नहीं भाई मैं मेरी शूट है मैं वहाँ जा रहा हूँ। फिर बहरहाल उन्होंने मेरे कलाम की तारीफ की, फिर ना मज़ेदार जो होंगे जो जो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था, सेंस ऑफ ह्यूमर हमेशा, वो इतने प्यारे और मुस्कुराहट अंदाज से कहते हैं आप भी क्रिकेट देखने जा रहे हैं, मैंने कहा नहीं सर मैं तो मजलिस में जा रहा हूँ, तो कहने लगे तो मैं जिस तरह आप मजलिस में जा रहे हैं इस तरह मैं अपने काम से जा रहा हूँ, हर बंदा लाहौर आने वाला है कजाफी स्टेडियम जा रहा लेकिन वो बड़ा प्यार करते हैं। शहरोज एक बार मुझे मिले, शहरोज बिल्कुल बिल्कुल, तो बहरहाल आपकी पूरी फैमिली माशाल्लाह बहुत अच्छी है, वेरी काइंड, और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा मोमल हमारे ना यहाँ पर आज हमारा टॉपिक जो था वो हमने रखा था, रोज तो हम ये बात कर रहे हैं जैसे आपने बात की कि एक इंसान दूसरे इंसान का ख्याल रखे, इसी तरह हमारे माशरे में हम ये देखते हैं कि हम अशरफुल मखलूकात हैं, अल्लाह ने हमें बनाया, तो इस पर हम इस कदर मगरूर हो जाते हैं कि हम दूसरी मखलूक पर जुल्म करना शुरू कर देते हैं, यानी एक जानवर है उसको पानी नहीं पिला रहे, या एक जानवर खाना खा रहे हैं तो वो कोई बिल्ली अगर खाना खाने आ गई तो बजाय इसके कि उसको थोड़ा सा खाना डाल दें, वो भी मखलूक तो है ना, लगे हम उसको लात मार के, अक्सर लोगों को देखा है वो लात मार के भगा देते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहती हैं, आप क्या नज़रिया? हमेशा एक बात के दो नज़रिया होते हैं, हम डेफिनेटली हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि हम इस तरह से जुल्म करें, ये चीज़ कॉन्शियसली हमें याद रखनी चाहिए, ना कि सिर्फ जो जानवर हमारे आसपास हैं और जो जैसे कि आप भी मेंशन कर रहे थे जैसे कोई गधा गारी होती है तो उस पे आप, अच्छा परिंदे भी इसमें शामिल हैं, परिंदे भी शामिल हैं, हम शिकार करते हैं अपने शौक के लिए, यानी हमें उस पर खाने की जरूरत नहीं होती लेकिन अपने शौक के लिए शिकार करते हैं कि क्या निशाना लगाया है, अपनी वाहवाइयां वाहवाइयां के लिए। अभी आप बिल्ली की बात कर रहे हैं तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि ठीक है अगर आप उसको, कुछ लोग डरते भी हैं ठीक है, तो एक डर की वजह से वो उसको भगाते हैं ठीक है, एक डर डर महसूस अगर चीज है, हाँ, तो डर तो अलग चीज एक है। अलग चीज है ना, तो वो तो चलो ठीक है, तो आप उसको भी बहुत कामली चीज को कर सकते हो, अगर खिला नहीं सकते तो लात और ये मारना और ये चीजें करना ये तो बहुत ही बुरी बात है, इस बात से तो मैंने देखा है लोग, हाँ इस बात से तो अल्लाह भी नाराज होते हैं, तो क्योंकि उन्हीं की बनाई हुई चीजें है ना, तो उन्हीं का ख्याल रखना हमारा भी काम है बिल्कुल, तो और कॉलर का ख्याल रखना भी हमारा काम है, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है आपके लिए, अस्सलाम वालेकुम, कॉल कट गई, ये क्या हुआ, ये कनेक्शंस जो है हम थोड़ा सा शायद कॉल उठाने में लेट हो गए, नहीं नहीं क्या कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया, खैर आप दोबारा कॉल करें कोई बात नहीं, अब कॉल्स की लाइंस खुली हुई हैं, और है ना माशाल्लाह आप, अब मैंने क्या कहते हैं जितने भी हमारे गेस्ट अब तक आए हैं तो जब भी वो गेस्ट आते हैं तो मैं देखता हूँ कि हिना कहती है ये मेरे बहुत पुरानी दोस्त हैं, ये मेरी बहुत पुरानी दोस्त हैं, तो आप कितनी पुरानी हैं इस फील्ड में? मैं इस फील्ड में कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं हूँ, मे बी ये मेरा थर्ड ईयर है,
माशाल्लाह। लेकिन लोग मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस इंटेंशन से किसी से मिलते हैं ना, उसी इंटेंशन से सामने वाला आपसे मिल रहा होता है। आप अपनी इंटेंशंस अच्छी रखें, सामने वाला खुद अच्छी इंटेंशन से आपसे मिलेगा। मौला अली सलाम का कॉल भी है ना कि तुम जैसा चाहते हो लोग तुमसे मिले तो तुम भी लोगों से वैसे ही मिलो। अगर तुम चाहते हो लोग तुम्हें इज्जत दें तो तुम लोगों को इज्जत देना सीखो। कॉल हमारे पास मौजूद है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी कॉल कोई सुने तो हमें भी दूसरों की कॉल सुने। बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कहाँ से बोल रही हैं? मैं लाहौर से बोल रही हूँ जी। कैसी हैं? फरहान भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, हम लोग बहुत पसंद करते हैं, हम सारे घर वाले मिलके देखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसे? अच्छा ये बताइए कि रोजे आपके जा रहे हैं पूरे? जी जी, रोजे पूरे जा रहे हैं। पक्की बात है? ट्रांसमिशन आप रोज पाबंदी से देख रही हैं? जी पाबंदी। तो हमारी आज हमारी गेस्ट कौन है? आज हमारी गेस्ट कौन है? मोहम्मद शेख हैं, काइंडली उनसे बात करवा दें। हाँ जी, बात ये तो सामने बैठी हैं, बात करें डायरेक्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह के शुक्र, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत करम। आपके ड्रामे हम देखते हैं, बहुत अच्छे आप ड्रामे करती हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप क्या करती हैं ड्रामे देखने के अलावा? जी जी, मैं पढ़ रही हूँ, मैं मास्टर्स कर रही हूँ। ओ माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाकी बस, आपका नेक्स्ट ड्रामा कब आएगा? मेरा नेक्स्ट ड्रामा, एक ड्रामा चल रहा है ऑलरेडी पागल खाना के नाम से, और आप वो देखें, जब तक वो खत्म होगा तब तक दूसरा लाते हैं आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, बस ये अच्छी बात है फातिमा, आप पढ़ रही हैं और जो लोग पढ़ रहे होते हैं उनके लिए मेरी बहुत सारी दुआएं कि देखिए पढ़ना इसलिए कि आपको शऊर पैदा हो, बेशक, और इसलिए नहीं पढ़ना कि हमने कमाना है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इरशाद फरमाते हैं और मौला अली अलैहि सलाम का भी यही कॉल है कि अगर इल्म के पीछे रिस्क, अगर इल्म के पीछे पोशीदा होता ना तो फिर जो जाहिल हैं वो तो भूखे मर जाते हैं। तो रिस्क तो अल्लाह ने सभी को देना है, लेकिन इल्म अपने शऊर के लिए, अपने विजन को बढ़ाने के लिए, अपने अंदर बेदारी पैदा करने के लिए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शातर में कि अपने इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की लहर तक, लहर तक। तो आपको हम बहुत आपके हौसला अफजाई करते हैं। मुमल, आपने भी एजुकेशन के बारे में यही बात कही और ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत बहुत जरूरी है, और आपको लोग सुनते हैं, आपको लोग जैसे ये फैन थी आपकी, अब आपने अगर इनको आपने एजुकेशन के बारे में कहा तो यकीनन ये आपको फॉलो करती हैं और हम पर ये जिम्मेदारी होती है, हम पे ये जिम्मेदारी है कि ये हम इस चीज़ को और ऐसी बातों को आगे बढ़ाएं, बताएं और बात करें इन बारे। बिल्कुल। और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी कि एजुकेशन की ना कोई एज भी नहीं होती। अगर आप ये समझें कि ये मेरी राइट एज है या किसी की शादी जल्दी उम्र में हो गई और उसके बाद उसको पढ़ने का शौक है या जिंदगी में कुछ करने का शौक है और वो उस वक्त नहीं कर पाई तो वो बाद में भी कर सकती है या कर सकता है। और किसी ने कभी भी कुछ भी बस करना है, दिल में वो जुस्तजू, वो आग होनी चाहिए, उसे जलाए रखें। बेशक। अच्छा, इल्म इल्म इल्म्स डिफरेंट किस्म के होते हैं, ठीक है? एक इल्म आपके पास भी है जो आप रेमेडी बता रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक इल्म हमारे पास है खाना बनाने का, प्यारा जायका। अब उसकी तरफ हमें जाना है, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। बिल्कुल। नाज़रीन, प्यारा जायका में शेफ उरूज हमारे साथ मौजूद होंगी, ब्रेक के बाद मोमल शेख हमारे साथ मौजूद होंगी। मोमल शेख अपनी ज़ाती ज़िंदगी में ज़िंदगी कैसे गुजारती है ये तो आप देख रहे हैं, ज़ाती ज़िंदगी में किचन में कैसे अपना वक्त गुजारती हैं वो भी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे। देखते रहिए प्यारा रमज़ान। रमजान प्यारा, रमजान प्यारा, रमजान प्यारा, रमजान। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप सब कैसे हैं? ठीक हो? नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। प्यारा रमजान में ये शोर शराबा आप देखते हैं, ये रोज हमारे यहाँ होता है और ये होता रहेगा 30 दिन पूरे। ये प्यारा बचपन है और इसमें हमारे साथ प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हुर, हमारे साथ मौजूद हैं मरियम, हमारे साथ मौजूद हैं महदी, हमारे साथ मौजूद हैं अलवीरा, अलवीरा, और
आज हुरैन हमारे दरमियान नहीं आ पाई है, हुरैन मेरे ख्याल से लेट हो गई है, लेकिन हुरैन जल्दी आए, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके बगैर जो है ना ट्रांसमिशन का मज़ा ही नहीं आता। तो हुरैन पूरी, ये पूरे बच्चे कंप्लीट होते हैं और हुरैन की एक तबीयत खराब है। चलो हुरैन के लिए सब दुआ करते हैं कि अल्लाह हुरैन को जल्द अज जल्द सेहतयाब करे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम माम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हर रोज यहाँ पे आके इतनी आदत हो गई है शोर शराबे की, जिस दिन दल होता है तो लगता है ये क्या हो रहा है, भाई इसी के बाद हम लोग फ्रेश हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम उम्मुल, अस्सलाम वालेकुम माम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? वेरी गुड टू सी यू, गुड टू सी यू टू। तो ये हमारा सेगमेंट है, सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको तो आप जानती हैं, आपके साथ काम भी कर चुके हैं। जी बिल्कुल, और बहुत ही प्यारे बच्चे हैं और बहुत ही खूबसूरत सेट। हाँ जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत सेट है हमारा, और आपका ये सेगमेंट भी बहुत अच्छा है। रमजान के बाद हम ये आपको दे देंगे, आप अपने घर ले जाइए। पक्का? पक्का, लिख लें आप, ये देखिए अब ये ऑन रिकॉर्ड हो गया सारा, ऑन रिकॉर्ड। मैंने तो कह दिया अलीहा के कमरे का अब यही लुक होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपने थीम डिसाइड कर ली अभी? यस अभी अभी। अच्छा कौन सा कल आज वाकया सुना रही? आज हम बात करेंगे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे। अच्छा माशाल्लाह, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अल्लाह ताला ने जितने भी पैगंबरों को भेजा है या नबियों को भेजा था, वो इसीलिए कि उनको वो अल्लाह ताला की राह पे चला सके, उन लोगों को जो उनकी राह पे नहीं है, यानी सीधे रास्ते पे नहीं है, उनको वो सीधे रास्ते पे रास्ते पे। इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिस कौम से ताल्लुक था, जिस कौम के लिए वो आए गए थे, वो कौम अल्लाह ताला की नाफरमानी करती थी, क्योंकि वो भूतों को पूजती थी, अल्लाह ताला पे नहीं करती थी, क्योंकि उनको लगता था, जैसे कि हमने कल की स्टोरी में भी सुना था, उनको लगता था कि उनका जो बनाया हुआ भूत है वही सब कुछ है और वही उनका खुदा है और वो उसी की इबादत करेंगे और उसी को मानेंगे। तो एक पत्थर का बना होता है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, वो तो कुछ बोल ही नहीं सकता। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एग्जैक्टली यही बातें उनको बताई कि जो भूत खुद बोल नहीं सकता वो तुम्हारा क्या करेगा, तो उसकी इबादत क्यों करते हो, सीधे रास्ते पे आ जाओ, अल्लाह ताला से बातें करो, अल्लाह ताला की इबादत करो, उन पे भरोसा करो। लेकिन वो माने नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं माने। उन्होंने कहा कि हमारे माँ बाप, हमारे बड़े लोग, वो हर कोई इन्हीं की पूजा करते थे, इन्हीं को मानते थे, तो हम भी इन्हें कोई मानेंगे और हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो एक दिन वो सारे लोग कहीं किसी कोई फेस्टिवल मनाने अपने एरिया से बाहर चले गए, अपने शहर से बाहर चले गए। तो उस वक्त हाँ मतलब कहीं चले गए वो, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये मौका मिला कि उन भूतों को तोड़ सकें, ख़त्म कर सकें। तो उन्होंने एक कुल्हाड़ी से उन सारे भूतों को तोड़ा, लेकिन सिवाय एक भूत के जो सबसे बड़ा था वहाँ पे, क्योंकि उसके उन्होंने कुल्हाड़ी रख दी थी कि मतलब सारे, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस कुल्हाड़ी को उस भूत के हाथ में थमा दिया और जैसे ही वो सारे सबसे बड़े वाले बिल्कुल सबसे बड़े, तो जब वो वहाँ पे आए लोग वापस, उन्होंने आके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि एक भूत किसने तोड़े, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्यों नहीं तुम इस भूत से ही पूछ लो, यही बता देगा कि किसने तोड़े। तो वो लोग जानते थे कि वो एग्जैक्टली, तो उस भूत ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो पत्थर का जवाब था। तो उसके बदले में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो भूत जवाब नहीं दे सकता, अपने आप को बचा नहीं सकता कि जब उसको तोड़ा जा रहा था, तो वो तुम लोगों के लिए क्या करेगा। लेकिन इस बात पे भी उन लोगों को बहुत गुस्सा आया और उन सब ने प्लान किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस बात से इसका बदला लेना चाहिए। उन्होंने लकड़ियाँ इकट्ठी की और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जंजीरों से बांधा, यानी चेन से बांधकर उन्हें आग लगा दी। बिल्कुल इतनी बड़ी आग थी, वो इतनी ऊँची आग थी कि वहाँ से परिंदे भी नहीं गुजर सकते थे, इतनी ऊँची। वहाँ कोई जानवरों ने आकर उनकी मदद, बिल्कुल जैसे आज स्टार्टिंग में आपने जानवरों का जिक्र किया, तो मैं इसमें ज़रूर डालना चाहूँगी इस बात में कि जानवर भी वहाँ मौजूद थे, कि जाहिर है अल्लाह ताला के बनाई हुई मखलूकें हैं, तो उन्होंने भी आके उस आग को बुझाने की कोशिश की और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 7 दिन तक 7 डेज तक उस आग में जल रहे थे। 7 डेज नहीं, क्योंकि उनका अल्लाह ताला पे पूरा यकीन था, कि पूरा ईमान था उनका स्ट्रॉन्ग कि अल्लाह ताला उनको बचा लेंगे, और इस तरीके से अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया, अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत में डाल दिया, अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। तो इसलिए सब लोगों को भी पता चला कि देखा अल्लाह ताला पे यकीन रखने से क्या होता है। तो इसलिए हमें भी चाहिए जब अल्लाह ताला पे हम स्ट्रॉन्ग बिलीव करते हैं, बिल्कुल उनकी इबादत करें, और जिस चीज़ की हमें प्रॉब्लम हो हम अल्लाह ताला से ही शिकायत करें, वही हमारी मदद करेंगे। आपको पता है एक छोटा सा परिंदा था, वो अपनी चोंच में थोड़ा सा पानी लेकर जा रहा था। अच्छा भाई तुम कहाँ जा रहे हो? कहा मैं आग बुझाने जा रहा हूँ। क्योंकि इतने से पानी से कौन सी आग बुझती है, इतना मेरे पास मेरी स्ट्रेंथ ही इतनी है, मैं इतना ही पानी लेके जा सकता हूँ। इससे हमें सबक मिलता है कि हमें जैसे अभी
मोमल आंटी ने आपको बताया होगा कि लोगों की मदद करनी चाहिए, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आपकी पॉकेट मनी, आपको कितनी पॉकेट मनी मिलती है आपको? एक एवरेज 10 रुपये, 100 रुपये, कितने? ज़्यादा मिलती है, चलो अगर 500 रुपये मिलती है, अगर 500 रुपये ना, उसमें से आप 5 या 10 रुपीज़ तो दे सकते हैं ना। अच्छा, अब आप अगर आपको 500 रुपीज़ भी मिलते हैं तो उससे किसी का घर तो नहीं बन सकता, है ना, लेकिन आप उस 5 या 10 रुपीज़ देकर हेल्प कर सकते हैं, बिल्कुल खाना खिला सकते हैं। तो इसमें इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास कितना इतना ज़्यादा है या नहीं है। और यही वाली बात, सॉरी या नहीं नहीं, और तो और आप लोग पता है क्या कर सकते हो, आप लोग जो पुराने टॉयज होते हैं ना, आप उनको भी दे सकते हो, या जो टॉय से आप नहीं खेलते हो आप वो भी दे सकते हो, आप अपने कपड़े भी दे सकते हो जो आपने कम पहने हुए होते हैं, बुक्स भी दे सकते हो, हेल्प होती है। अच्छा अलवीरा, आप मुझे मेकअप रूम में कुछ बता रही थी कि आपने कुछ कहना था ना इस बारे में, आप क्या कहना चाह रही थी? मुझे कहना था कि हमें गरीब को खाना देना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। और कल अलवीरा आपने खाना दिया भी था ना अलवीरा? ओ वाह, अलवीरा ने खाना मुझे बताया। मुझे मसनून दुआएं सुनानी है। अच्छा, अब होर की बारी है। हां जी होर, होर आपने क्या आज आप क्या सुनाएंगे? मैं तो बिस्मिल्लाह के बारे में बताऊंगा। प्लीज बताइए। बिल्कुल, आप तो ये तो पता है कि हम सारे काम बिस्मिल्लाह पढ़ के करते हैं, आप तो ये पता है कि तब हमारे काम हो जाते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं आप बताइए? या बताइए बताइए। या अल्लाह, या अल्लाह, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमारा ये काम हो गया। वेरी नाइस, जबरदस्त यार, जबरदस्त बात बताइए आज। और मुझे मस्नून दुआएं सुनानी है। बिल्कुल सुनाइए। आज मैं आप सबको कुछ मस्नून दुआएं सुनाती हूं। इल्मे इज़ाफे की दुआ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ओ अल्लाह इंक्रीज माई नॉलेज, आमीन आमीन। खाना खाने की दुआ, बिस्मिल्लाह व आला बरकतिल्ला, अगर ये दुआ पढ़ना भूल जाए तो ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरा। खाना खाने के बाद की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, और हम मुस्लिमीन भी कह सकते हैं और मिनल मुस्लिमीन भी कह सकते हैं। बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त मरियम, जबरदस्त। अगर हम ये भी पढ़ना और अगर हमें ये याद ना रहे तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और अगर हम किसी के घर दावत खाने जाएं तो ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा अतअमनी वस्कीमन सकौनी। माशाल्लाह माशाल्लाह। वॉशरूम जाने की दुआ, सारी दुआएं बताई आज मरियम अम्मी। आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, वॉशरूम से बाहर निकलने के लिए जबरदस्त जबरदस्त। कुफ्रान का अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी, और हम सबको ये दुआ याद करनी चाहिए, याद करनी चाहिए, आदत हो जाए, आदत हो जाए। बिल्कुल, अब मेहंदी की बारी है, मेहंदी आप क्या सुनाएंगे आज? माशाल्लाह, आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा। सवाल पूछने वाली हूं सबसे। रोजे को अरबी में क्या कहते हैं? मैं बताऊं। चलो दोनों बता दो। सोम, वेरी नाइस। सोम, सोम कहते हैं मरियम। सोम कहते हैं। स्वाद वाव मीम सोम, यानी रोजा। प्लीज पूछिए। ऐसी कौन सी चीज है कि उसमें से धुआं निकलता है फिर भी वो गर्म नहीं होती? मैं बताऊं? हाँ बताइए। या कोई और गैस करना चाहेगा? उसमें धुआं नहीं निकलता, नहीं धुआं निकलता पर गर्म नहीं होती, और क्या चीज है बताओ मादी? वैसे बात तो सही है, सही जवाब है, सही जवाब है। भाई वाह, जबरदस्त। सवाल आपसे पूछ रहे हैं एक आपसे। अल्लाह, पहले उनके नाम पूछ। नो, अब अलवीरा की बारी। इजी है, बहुत बहुत इजी है, बहुत इजी है। अलवीरा ऐसे पहले कैमरा आपको देखा है? अलवीरा इधर आइए, मेरे पास आइए। पूछो पूछो, मेरे पास है, मेरे पास। इस हफ्ते मैंने बहुत काम किया है। ओहो, जब भाई नहीं जावेद भाई, अंकल के भी अंकल है, बोलो नाना केड़े बाबा जावेद नाना, नाना है वो। आप मुझे बताएं कि वो आपसे ज्यादा प्यार करते हैं या फिर आपके भाई से? अल्लाह, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है।
मेरे ख्याल से बचपन में वो मुझसे ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन अब वो भाई से प्यार करते हैं, लेकिन वो इक्वल प्यार करते हैं। इक्वल प्यार। अब आई एम श्योर वो ज़्यादा बच्चों से प्यार करते हैं। अब एक्चुअली हाँ, एक्चुअली बाद अब चेंजेस। मैं और शहजाद अब किस के कहीं नहीं आते, अब वो सबसे ज़्यादा बच्चों से प्यार करते। अच्छा बात सुने, ये आपका सेगमेंट ना पूरा सेगमेंट है, ये भी सेगमेंट है, वो भी सेगमेंट है। अलवीरा खामोश बैठी हुई, आपने इनको बोलने नहीं दे रही आप। मैं I'm so sorry. अलवीरा आप क्या बोलना चाह रहे थे? अलवीरा की बारी है आज। कुछ नहीं बोलना अभी तो, अलवीरा ने कान में बोला था। आप मुझे कह रही थी मैं सुनाऊंगी कलाम। चलो आपने पेंटिंग दिखाओ, सबको पेंटिंग दिखाओ। अलवीरा पेंटिंग दिखाएगी। अलवीरा ने पेंटिंग दिखाई। कलरिंग कलरिंग कितना कलर किया ये दिखाओ। कहाँ बनाया आपने? हाउस बनाया। जाओ मोमेंटी के पास जाके दिखाओ। जाओ मोमेंटी के पास जाओ, वहाँ जाके। कैमरा वो रहा ना, हम इधर दिखाएंगे कैमरे में, सबको दिखाएंगे ना। हमने कौन सा कलर किया हाउस में? कौन सा? और ये येलो कलर किसने बताया था आपको? बताओ किसने बताया था? मैंने बताया। आज हमें नहीं बात करनी, क्यों नहीं करनी? क्योंकि हम टू बिट्स में बात करते हैं, हमने शुरू में बात कर ली। मैंने बात कर ली, वो ये मैंने बात कर ली, वो प्रिसाइज बात करती है। सवाल पूछना है, हुरने पूछना है। अच्छा पूछे पूछे। ऐसी कौन सी चीज है तो दो दफा तो आ जाती है, लेकिन तीसरी दफा में खरीदनी पड़ती है? दो दफा आ जाती है और तीसरी दफा खरीदनी पड़ती है। चप्पल? अरे दो दफा में आ जाती है, तीन दफा खरीदनी पड़ती है। ओए होए, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। ये तो बिल्कुल डांट। डांट खरीदते? डांट डांट। और एक बार दूध का डांट टूटता है फिर वाला तारे। जबरदस्त, वेरी वेरी गुड। आप बिल्कुल खरीदने पड़ते हैं। मुझे आपसे एक क्वेश्चन। मुझसे अल्लाह खैर जी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे का क्या नाम था? मैं बता दूं या कोई और बताना चाहता है? माती आप बताएं, आप तो पूछे हैं। बिल्कुल सही जवाब। अल्लाह माशाल्लाह, लाइव बॉय आपका हुआ। भाई अब ज्यादा सवाल करोगे हम। अच्छा मुमल, घर में भी ऐसी रौनक होती होगी ना? घर में भी ऐसी रौनक होती है, और जब सब बच्चे मिल जाते हैं कजिन्स और सारे है ना, तो और भी रौनक। बिल्कुल जी, प्लीज पूछो। ऐसी कौन सी चीज है कि इतने पांव नहीं है फिर भी वो तेज चलती है? सांप। आपने पूछ लिया? अरे पूछ लिया था, रिपीट कर लिया यार। सबके क्वेश्चन याद रिपीट होने की नहीं हो रही भाई, रिपीट करने की नहीं हो रही भाई। नए नए सवाल होने चाहिए रोज। अच्छा फरहान भाई से पूछना है, पूछो। मुझे सिर्फ आपसे पूछो। जी जी। ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम खाने के लिए लाते हैं लेकिन खाते नहीं है? खाने के लिए लाते हैं उनको, उस चीज को खाने के लिए लाते हैं और खाते नहीं है। और खाते नहीं है तो खा लेते हैं, फिर क्या नहीं खाते हम? डांट। डांट कोई खाने की चीज है? वाकई है खाने की चीज? बता दो। चलो बता दो। चम्मच। लाते हैं पर खाते नहीं। नहीं वैसे हम खाते हैं ये बच्चे, तो वो कैंडीज वाले जो स्पून आते हैं वो तो हम खा जाते हैं। वो तो नहीं नहीं, अब वो पर्टिकुलर है ना, वो कैंडी स्पून की बात नहीं हो रही। हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि हाथ से खाना खाना चाहिए, और खाना खाने के बाद ना सीधे हाथ से, और खाना खाने के बाद अपनी उंगलियों को चाटना चाहिए, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, उससे होता पता क्या उंगलियों को ये क्यों? उसकी वजह ये कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे हाथ से कुछ ऐसे लिक्विड्स जो है वो जारी होते हैं कि जो आपके खाने को डाइजेस्ट करते हैं। एंड ये पर्टिकुलर उंगलियां क्यों जो आपने बोला पहले? ये बताया गया ऐसे। अच्छा ऐसे ही बताया गया। ये चूसेंगे तो जम जाएंगे। जर्म्स नहीं, इसलिए तो हाथ धोने पड़ते हैं पहले। पहले हाथ धोते हैं ना, लाइफ बॉय से हाथ धो लो पहले। और खाना खाने के बाद भी हाथ धोने पड़ते हैं। हाथ पहले भी देखो, सफाई ने सीमान है। हाथ आपको हमेशा धोने चाहिए, हाथ को साफ रखना चाहिए। जब हाथ साफ होंगे तभी तो आप खाना खाओगे। जब आप खाना खाते हैं तो उससे जो आपको वो नज़र नहीं आती, वो जो लिक्विड जो रतुबत होती है वो जाहिर होती है खाना खाते हुए। और फिर जब उंगलियां चाटते हैं तो उससे वो खाना हजम होने में आसानी पैदा होती है। अगर आप करोगे तो आपको फ़ायदा है, नहीं करोगे तो कोई नुकसान नहीं। अगर हम हाथ ना धोएं तो फिर सारे जर्म्स हमारे पेट में चले जाएंगे। एग्जैक्टली। माधी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपसे एक सवाल पूछूंगा, दुनिया में ऐसा कौन सा जानवर सबसे खूबसूरत जानवर है? खरगोश। बिल्ली। नहीं। जवाब दो। चलो एक गेस। खरगोश ही तो है सबसे खूबसूरत। मुंबल आप बताएं। आई मीन खरगोश खूबसूरत होते हैं। हाँ
नहीं चलो आप बता दो, आप बताओ। मोर, मोर खूबसूरत होता है, और जिस तरह से मोर खूबसूरत होता है, हमारा ये सेगमेंट भी बड़ा खूबसूरत है, और दिल नहीं चाहता ये सेगमेंट कभी खत्म हो। क्यों माँ? बिल्कुल ऐसे ही। और मोमल आप भी यकीनन ये, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है ना, मुझे तो कहीं नहीं जाना है इधर से। बस अब आप यहीं बैठिएगा। तो आते हैं मुख्तसर वक्फे के बाद, लेकिन इसके बाद मोमल हमारे साथ मौजूद रहेंगी और हम किस सेगमेंट के बाद आएंगे। इसके बाद प्यारा इल्म भी है और प्यारा जायका भी है, तो अब देखते हैं आप ब्रेक के बाद आप कौन सा सेगमेंट देखते हैं। आते हैं मुख्तसर वक्फे। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान, और अब वक्त हुआ है प्यारा जायका, जिसमें आप सबको इंतज़ार रहता है कि शेफ़ उरूज आज हमें कौन सी रेसिपी सिखाती हैं और आज क्या बनाना सिखाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं मोमल शेख, जो कि आप बताएंगी कि वो किचन में भी अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारती हैं। यहाँ आपको सब कुछ नज़र आएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम उरूज, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, आई एम वेरी वेल, आई एम वेरी हैप्पी टू सी मोमल हियर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? कैसा अजीब सा लग रहा है ना, दोबारा से मिलके, दोबारा से मिलके हम एक्चुअली मिल चुके होते हैं, फिर वो यू नो दोबारा से। हाँ, इस मोमल इस सेगमेंट का अस्सलाम वालेकुम, इस सेगमेंट को अस्सलाम, हमें बार बार बहुत जरूरी है, सलाम करते रहें, सवाब मिलता रहेगा। सलाम जी, आज आज क्या आप बनाना? आज हमारी जो रेसिपी है वो बहुत फन है, और द रीज़न वाई आई एम एक्साइटेड फॉर इट इज़ बिकॉज बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट की खाने बहुत पसंद करते हैं। स्मैश बर्गर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, एंड मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को उसको जल्दी से घर पे बनाने को हैक सिखा दूँ। तो विदाउट एनी फर्दर अडू जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। इसके अंदर जो पहला इसका पार्ट है वो है, इसके अंदर हम बनाएंगे कैरामलाइज्ड अनियंस, जो कि वो वाले प्याज नहीं होते। यस, एंड आई लव देम, बट वो बहुत ज़्यादा फैटनिंग भी होते हैं। नहीं, यहाँ नहीं होते, नहीं होते। हाँ, इतना लुट से थोड़ा आप देख लो। अच्छा, नहीं होते, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम डाल रहे हैं डालडा कुकिंग ऑयल, जो कि ज़बरदस्त किस्म की रमज़ान पैकेजिंग में अवेलेबल है। आप लोग जाकर डालडा कुकिंग ऑयल लाएं, पूरे रमज़ान 250 रुपए की आपको बचत भी मिलेगी, और ऑफ़ कोर्स यू नो डालडा आपके खानों को बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार कर देता है। यहाँ पर मेरे पास स्लाइस्ड अनियंस हैं, तकरीबन 2 लार्ज अनियंस, ठीक है, और इसको हम सिर्फ सॉटे करेंगे जब तक ये अनियंस हो रहे हैं। करना शुरू करें? बिल्कुल, प्लीज। हाँ, आप बिल्कुल स्टार्ट करें। जब तक ये अनियंस हो रहे हैं, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि रमज़ान की यू नो जो डिशेज होती हैं थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट चीज़ें बनाना चाहती हूँ। उसकी वजह ये कि आई फील लाइक कि थोड़ा सा ज़रा दस्तरखान जरूरी हमसे पूछो, हमें शो देखना होता है ये जानने के लिए कि अब आज क्या क्या बनाए। हाँ, तो ये वाली रेसिपी बहुत आसान है। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ऑब्वियसली पैटी का है, जो बर्गर की जो बीफ की पैटी होती है। इसके बारे में आपको जल्दी से थोड़ी सी जानकारी ये देना चाहती हूँ कि बीफ मिंस जो है आप जब भी बर्गर के लिए लें, वो आपके जो नॉर्मल आप खाना बना रहे हैं, आलू कीमा बना रहे हैं या कीमे की जितनी भी घर में दूसरे सालन वगैरह बना रहे हैं, उससे डिफरेंट होता है। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर 80% गोश्त होता है और 20% फैट होता है, वो भी किडनी फैट। अच्छा। तो आप जब भी बोल के लें, मुझे नहीं थी, 80-20 का रेशो इज जनरली वेरी गुड इन पाकिस्तान, हमारे मुल्क में। वैसे जनरली बाहर अगर आप ये खाते हैं तो 70-30 का करते हैं। अच्छा। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर जो ज़रा फैट होती है वो बहुत ही जल्दी अब्सॉर्ब होती है, मगर बुचर से अपने बुचर को क्या कहते हैं, कसाई को बोल के लें कि किडनी के इर्द गिर्द जो फैट होती है, बार बार मैं ये बात रिपीट, चर्बी जो होती है किडनी के इर्द गिर्द की जो चर्बी होती है वो बेस्ट होती है, और वो बहुत सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है, और वो बहुत अच्छा इसको दे देती है फ्लेवर भी। ये सारी जो चीज़ें बन रही हैं मेरे घर पे जाएंगी इफ्तारी पे आज? जी हाँ, आप बिल्कुल ले जाएं, बिल्कुल 100%। एक्सेलेंट। अच्छा, यहाँ पर मेरे ख्याल में मैं हेल्प लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। फरहान आप इधर आ जाएं। जी। फरहान की यहाँ पर हम हेल्प ले रहे हैं, फरहान बना रहे हैं हमारे बर्गर की सॉस, जिसके अंदर है मेयोनेज, सिराचा, सेसमी ऑयल, लेमन जूस और ब्लैक पेपर। अब मुझे करना क्या होगा? आपने बस इसको इस प्याले में डाल के मिक्स करना। ये सारा डाल दें? हाँ जी, ठीक है। ये आप स्पून ले लें। जी।
मैं कर दूं अगर आप नहीं, नहीं, आप यहाँ पे मतलब अच्छा, देखिए आप चेक करें कि मैं ना आती हूँ कुकिंग की बहुत मुझे बहुत शौक आप ये करें कि आप इसके अंदर बारबेक्यू सॉस डालें ऑलराइट और ये ब्राउन शुगर थोड़ी सी डालें कितनी चुटकी भर चुटकी से थोड़ी सी ज्यादा लाइक टीस्पून ठीक है और ये सॉस पूरी डालनी है सब पूरा पूरा डाल पूरा पूरा ये पूरा जी पूरा पूरा आप पूरा पूरा सब डाल दें फरहान तो ये बाकी खाने बनवा रहे हैं सही है स्पाइसी हो जाएगा अच्छा अच्छा है चलो नादिर को अच्छा लगेगा जब मैं घर में बनाऊंगी यस राइट ये रेड चिली भी पूरी नहीं नहीं थोड़ी डालना बस थोड़ी सी और सॉल्ट डालने की जरूरत नहीं होनी तो नाजरीन देखें इस तरह से सॉस डालने के बाद आपने हिलाना अच्छा, भी ये है निकाल सकता हूं, काली मिर्च यानी कि सिर्फ डाल दिया ब्राउन शुगर थोड़ी सी कदर ब्राउन शुगर डालनी है थोड़ी सी ज्यादा थोड़ी और डाल दो अच्छा अच्छा ठीक है पैटनिंग नहीं हो रहा है ये सब कुछ अच्छा ब्राउन शुगर थोड़ी सी है भाई ओके ओके थोड़ी थोड़ी और एंड पे आप थोड़ा जब ये सॉफ्ट होने लगे ना इसका मैं ऑफ कर थोड़ा चूल्हा कम कर देती हूं कम कर दे इसके अंदर चिली फ्लेक्स अपने हिसाब से डालें मोमन ठीक है क्योंकि आपने ही खाना है बिल्कुल तो आप अपने आप को जहन मद्देनजर रखते हुए चिली फ्लेक्स सॉल्ट और शुगर से मोमल इसको एंड करेंगी कंप्लीट करेंगी मैं चली जाती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली रमज़ान है प्यास लगती है अफ्तारी के टाइम पे तो मैं चाहती हूँ कि मैं बना लूँ टैंग और टैंग के बारे में आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि रमज़ान के अंदर आपको ये अफ्तारी के टाइम पे एक फ़ीलिंग देगा रिफ़्रेशमेंट की एनर्जी की आपको बहुत अच्छा लगेगा मेरे पास आज ऑरेंज फ्लेवर है मगर ये और भी बहुत सारे डिफरेंट जायकों में मौजूद है टैंग आज मैं ऑरेंज फ्लेवर के साथ बना रही हूँ विटामिन सी है इसके अंदर डी है जिंक है और यू नो आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है ऑब्वियसली बिकॉज ये फोर्टिफाइड है ना तो दिल खोल के टैंक डाल रही हूँ हमें तो अब ये कितनी देर तक चलेगा हाँ देखें हमें देखिए जरा क्या बस क्या? आपका ये मिक्स हो आप अपना काम पूरा नहीं कर रही हैं मैं देखिए मैं मतलब मैंने यही चेक आप मतलब मेरी इंटेलिजेंस चेक करें कि आप लोग आते हैं मेरे किचन में मैं कहती हूँ एक बंदे को कहती हूँ ये करना एक बंदे को काम ये करना अच्छा ये रोज का है काम इनका ये रोज का है अच्छा आप देखिए ना कितने फरहान फौरन उठकर आ गए जब किचन में काम करता हूँ ना तो मेरी मिसेज मुझसे कहती है आप वहाँ तो कर रहे थे अब आइए मेरे साथ यहाँ घर पे तो करिए अच्छा आप डाल दूँ मैं पानी जी पानी नहीं है क्या करना है सॉरी सिरका बस डन फिनिश बिल्कुल फिनिश हो और सिरका कितना डालना है सिरका इसके अंदर आपने पूरे का पूरा ज्यादा नहीं है नहीं श्योर हाँ हाँ कोर्स यू आर द शेफ ये बर्न हो जाएगा सिरका जो है ना ये इवेपोरेट हो जाता है तो ये पीछे बहुत ज्यादा सिरका नेस्ती छोड़ेगा अच्छा टैंक को मैं थोड़ा सा आज फ्लेवर दे रही हूँ जस्ट फॉर फन यू कैन डू दिस इफ़ यू वांट बट ठंडा ठंडा टैंक आपको ऑब्वियसली रिफ्रेश करेगा आपको एनर्जी देगा और टैंक के अंदर मैं आज फ्लेवर डाल रही हूँ जस्ट फॉर फन चॉप्ड अप स्ट्रॉबेरीज क्योंकि आजकल मार्केट में मौजूद हैं सो व्हाट आई विल डू इज आई विल पुट दीस इन द बॉटम ऑफ द ग्लास होती है ना वो आप उरुज आप क्या बता रही थी वो जो खुशबू ओमेरा या क्या 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 लफ्ज था वो उमामी उमामी बिल्कुल उमामी उमामी बिल्कुल खुशबू को ही कहते हैं और हर कोई मतलब बड़ा यू नो कहता है कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है जापानीज उमामी उमामीनेस ओह वाओ उमामी यानी जैसे हम खाना खाते हैं तो उसका टेस्ट मुंह से ऐसे नाक से बाहर निकलता है अरे यानी जैसे निहारी का बता रही थी हाँ निहारी की एग्जांपल ये है कि मतलब जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा फ्लेवर नहीं आता स्मेल का सेंसेशन आपके माउथ में आपको फील होती है राइट एग्जैक्टली देयर यू फील लाइक एक्स्ट्रा फ्लेवर बट यू कांट टेल कि ये नमक है या ये मिर्च है या क्या है दैट एक्स्ट्रानेस इन योर माउथ इज कॉल्ड उमामी 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 राइट और वो बहुत सारे के सारे ओह इट्स उमामी सो कूल इट्स अ वेरी बेसिक थिंग अच्छा इनका क्या होना है पैटीज का लाइक जी अब फ्राई होंगे ये अब मैं आपको पैटीज बनाना सिखाती हूँ और क्योंकि स्मैश पैटीज हैं आप इसको तवे पे बनाएं सो यू वांट अ रियली हॉट अंडे वाला बन कबाब खाया आपने मेरा फेवरेट है अंडे वाला ठेले वाला बन कबाब आज अंडे वाले बन कबाब खाएंगे नहीं आज तो ये खाएंगे कल खाएंगे अंडे हमारे स्कूल के बाहर एक होते थे उनका नाम था बुत्तन भाई बुत्तन भाई बुत्तन भाई बुत्तन भाई वो पता क्या करते थे वो ऐसा ऐसा बन होता था और ऐसा नहीं होता बन उनका इस टाइप का सब बन होता था समथिंग वो क्या करते थे वो जो चने होते हैं उसके अंदर हल्दी वल्दी डाल के पीला सा उसका वो होता था शोरबा टाइप का वो उसमें डालते थे जैसे इसमें डाले वो चने हाँ. और उसको वो कर देते थे डिप कर देते थे डिप करके फिर निकालते ओ थे। वो एक
जबरदस्त। अच्छा तवे पे मैंने डाला है थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालडा का, ठीक है, और जैसे ही तवा गर्म होगा तेज, तो ऑब्वियसली आप अपने बन को सेक लें। बन के अंदर जो बहुत महारत से सॉस बनाई है फरहान ने, वो सॉस जो है वो दोनों तरफ इन साइड में लगा लें। मैं आपको एक बन सेक के दूं? पहले वो सेक रही है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, ये तेल में, ये भी तेल में सेकना होता है? आप तेल में सेकें, मक्खन में सेकें, व्हाटएवर इज कंफर्टेबल फॉर यू, जो भी आसान है ना जिंदगी में। बिल्कुल बिल्कुल, मुश्किल आते नहीं पैदा करें, ये भी सही है। अच्छा, कोविड के बाद मेरे ख्याल से काफी लोगों को कुकिंग का शौक हो गया है, क्योंकि जिंदगी में कुछ करने को नहीं था। तो मर्द हजरात हो या औरतें हो, बिल्कुल सही है, सब या बच्चे हो, मेरे ख्याल से जितनी बेकिंग और चीजें मैंने अपने बच्चे के साथ कोविड में किए हैं, मैं कर ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता कि उसको ट्यूशन जाना होता है, उसको फुटबॉल पे जाना होता है, गोल्फ पे जाना होता है, स्कूल जाना होता है, कारी साहब से पढ़ना होता है। मेरे ख्याल से वो कोविड में ये फायदे तो बड़े। आपका बेटा गोल्फ खेलता है? जी, मेरा बेटा गोल्फ खेलता है। मेरा बेटा पूरे रोजे भी रखता है और कहता है कि मैं गोल्फ भी खेलूंगा, फुटबॉल भी खेलूंगा। वाह, देखा ये कैसे होगा बेटा, पानी प्यास कितने, नहीं मामा टाइम पास हो जाएगा ना। अच्छा फरहान, आप ये दोनों बंस के ऊपर लगाएंगे सॉस। फरहान, जब तक मैं आपको बर्गर पैटी बनाने का तरीका बताऊंगी, और ये है सबसे मेन, ये दोनों पे लगाने, देखिए दोनों पे। अच्छा, इसको जी दोनों पे, ठीक है, इसको आप स्मैश करें, राइट, और ये बहुत आसान है। मोमल, आप मुझे एक ऑलपस की चेडर चीज का स्लाइस देंगे? ये सामने पड़ा है, सही है? ओह ऑफ कोर्स, ये तो मेरा ब्रांड है। एग्जैक्टली, देखिए हमने मोमल को बुलाया ही इसलिए क्योंकि चीज की ताकत, ऑलपस एंड ऑलपस की चीज बहुत ज़बरदस्त होती है और बहुत मज़ेदार है। हर चीज के साथ आप लोगों को खाना चाहिए ऑलपस की चीज। इसके ऊपर आप डालेंगी, ओ पकते पे Yes. तो वो मेल्ट नहीं हो जाएगी? Exactly. हम चाहते हैं कि चीज जो है वो मेल्ट हो, बट देन अभी साइड पलटोगी और फिर बिकॉज वो साइड को फ्लिप किया। ओह वाओ, ओके, और इसके ऊपर मोमल डालेंगे चीज। ये चपली कबाब टाइप का सा, ऑलपस की चीज बाय द वे बहुत अच्छे से मेल्ट होती है, तेजी से मेल्ट होती है, और जब भी बच्चे इसको देखते हैं ऑब्वियसली बच्चे जो हैं अट्रैक्ट होते हैं इस तरह के खानों की तरफ ऑब्वियसली, और मज़ेदार किस्म का फ्लेवर होता है। इट्स अ ग्रेट सोर्स ऑफ कैल्शियम फॉर चिल्ड्रन एंड विटामिन डी। आप लोग ज़रूर अपने घर पे ऑलपस की चीज़ लेकर आएँ। रमज़ान में आप बड़े डिफरेंट डिफरेंट स्नैक्स बना सकते हैं, पिज़्ज़ास, जिस समय बर्गर बना रही हूँ, यू नो ब्रेड, सो मेनी स्नैक्स यू कैन डू, टोस्ट, ऑल ऑफ दैट हो गया, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, मोमल से एक छोटी सी हेल्प अब हम लेंगे। जी बिल्कुल। जैसे ही चीज़ हमारी थोड़ी सी पिघलेगी, इसके ऊपर हम कैरामलाइज अनियन डालेंगे। आप चूज़ करें, आप इसके अंदर पिकल डालना चाहते हैं, अनियन डालना चाहते हैं, पीछे आपके आइसबर्ग भी पड़ा है। फरहान जो है हमारे इस वक्त असेंबली पे हैं। ये बहुत ही एक रेस्टोरेंट स्टाइल किचन चल रहा है जिसमें हर कोई थोड़ा थोड़ा करता रहता है। नमक भी डाल दूं? अच्छा जी, ठीक है। फरहान, पीछे आपके आइसबर्ग पड़ा है लेटस, उससे तो और अच्छा हो जाएगा, डाल दें। ये भी हाँ डालें, खाना तो मैंने ही है, आप डालें डालें खुल के, आप नीचे वाले इस वाले पे डालें। हाँ, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ मेल्ट होने लगी, मोमल ने जो बहुत महारत से बनाए हैं कैरामलाइज्ड अनियंस, वो मैं डालूंगी ये इसके ऊपर, और क्या क्या डालना है मुझे बताती रही, तो क्योंकि आपने खाना कि मैंने खाना ना। और ये गया, ओ वाओ, पर अरे वाह भाई वाह, अभी इसके ऊपर डाल दूं जी? बस ढक्कन बंद, जिसको अनियन खाना है, जिसको टमेटो खाना है, जिसको थोड़ा एक्स्ट्रा सॉस डालना है, किसी को केचप चाहिए, सम पीपल लाइक केचप, जो जो चाहिए, नहीं फरहान बहुत केचप अच्छा डालना है वो यहाँ से उठा के डाल देगा। यस yes. जिसने सॉस डालनी हो यहाँ से उठा के डाल देगा। ऐसे ही है, बिल्कुल है। तो आप बेसिकली यू कैन बिल्ड योर ओन बर्गर द वे यू लाइक इट एंड बर्गर रेडी। Wow, that is amazing. पीछे से भी एक वाओ की आवाज आई थी। पीछे से भी वाओ की आवाज आ रही है। मुझे लगता है आज आप लोग हर कोई बहुत इम्प्रेस हो गया। ये जा रहा है मेरे घर। बहुत जबरदस्त माशाल्लाह उरुज। बहुत हो गई रेसिपी। अच्छा उरुज, मुझे एक चीज पूछनी है इस रेसिपी के, ये जो तुमने किया, इसको फ्राई किया,
तो ये क्या ऑलरेडी कुक्ड है, क्योंकि इतनी जल्दी कैसे कुक हुआ मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, ये बेसिकली इसलिए सब लोगों का ना यहाँ पर बीफ के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। बीफ बहुत जल्दी पकता है, स्पेशली अंडरकट। ओके, और कीमा जो है वो भी बहुत जल्दी बनता है। अगर आप जाते हैं रेस्टोरेंट पर तो आप नोटिस करेंगे कि वो भी बहुत तेजी से बना लेते हैं। तो उसकी वजह ये है कि अगर आप इसको जितना ज्यादा रखेंगे वो ड्राई होता जाएगा, जूसी नहीं रहेगा, जूसी नहीं रहेगा। नाउ आई गेट इट। वैसे मैंने अमेरिका में एक अजब, वैसे सुना जाता है ना कि बाहर ममालिक में मिर्चें कम खाई जाती हैं, लेकिन अमेरिका में एक रेस्टोरेंट में मैं गया था और तकरीबन इसी साइज का एक बर्गर था, उसे पता नहीं क्या ऐसी चीज डली थी, मतलब इतनी स्पाइसी था वो कि जो हम कहते हैं ना कान से धुआं निकलना, वो लिटरली ऐसा महसूस हो रहा था कि कान से धुआं निकल रहा है, आंखों के सामने धुआं चल रहा है। उसके बाद मुझे केक खाना पड़ा, यानी इतना ज्यादा स्पाइसी था वो। मुझे उसका नाम अभी जहन में नहीं आ रहा। अच्छा, गोस्ट पेपर होती है जो बहुत तेज मिर्चों वाली होती है, कैरोलाइना रीपर होती है, हैबनेरोज होती है, वो कोई चिली थी। चिली थी, हाँ। तो ये सारी मिर्चों के मैं नाम ले रही हूँ। ये जरा मोमल आप अपने उस तरफ जरा रखिएगा ताकि लोग ये देख सके, स्विच कर ले। और नाजरीन अब हम जाते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। जी कुछ कहना चाह रही? नहीं। अब मुख्तसर से वक्फे के बाद आते हैं। आप देखते रहिए प्यारा रमजान, प्यारा वजीफा भी होगा, कलाम भी होंगे और प्यारा इल्म भी होगा। कोई सेगमेंट आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस और ये सेगमेंट है प्यारा इल्म, यानी ये हमारा क्विज सेगमेंट है जिसमें हमारे साथ तीन टीम्स मौजूद होंगी और उनके दरमियान होगा मुकाबला। टीम ए का हम तारुफ कराते चलें। टीम ए में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ताहा और बुशरा आसिफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। टीम बी में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हसन और मोहम्मद उसामा नदीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज? ठीक ठाक हैं माशाल्लाह। टीम सी में हमारे साथ मौजूद हैं हिना असलम और फैसल मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद है आप तीनों टीम ठीक होंगे। आप के दरमियानों का मुकाबला, पहले राउंड में आपसे पांच सवाल किए जाएंगे और हर सवाल पर 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। दूसरा राउंड आपका होगा वो होगा बजर राउंड। स्क्रीन पर आपको कोई तस्वीर दिखाई जाएगी, उसके बारे में सवाल किया जाएगा, बजर दबाकर आप जवाब दे सकते हैं। अगर गलत जवाब देंगे तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है, सही जवाब देंगे तो 10 मार्क्स और वरना नेगेटिव 10। और इसके बाद थर्ड राउंड होगा रैपिड फायर, ए बी सी तीनों टीम्स को दिए जाएंगे 1 मिनट और 1 मिनट के अंदर आप तमाम टीम ने जवाब देना है। हर टीम से अलग अलग 1-1 मिनट दिया जाएगा और आपसे सवालात किए जाएंगे और आपके साथ जाएंगे पामोलिव की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स और तिफल डायपर्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स के, जो कि पाकिस्तान की पहली ISO सर्टिफाइड कंपनी है जो डायपर्स बना रही है। और इसके साथ साथ जामी शीरी के गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे और जाएगा हमारे जो हमारा जो ब्रांड है FAW यानी फरहान अली वारिस बाय हिमानी, हिमानी नेचुरल्स की जानिब से हमारे परफ्यूम्स एंड बॉडी स्प्रे जिसकी लास्टिंग आप किसी भी महंगे परफ्यूम के साथ कर सकते हैं। मैंने महंगा लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि ये हमारा कॉस्ट में बहुत सस्ता है और इसकी लास्टिंग बहुत ज़बरदस्त है। इसके 5 वेरियंट्स हैं, बॉडी स्प्रे भी और परफ्यूम भी, लेडीज़ भी हैं और जेंट्स भी हैं। तो वो आप इंशाल्लाह इसको ट्राई ज़रूर करेंगे जब आप इंशाल्लाह जीत कर जाएंगे। और हिमानी की जानिब से एक और गिफ्ट है जो है ऑलिव, हिमानी ऑलिव, यानी इसमें ऑलिव जो है ना हमारी सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी होता है और हिमानी जो है वो सेहत के साथ, हमारी सेहत के साथ साथ चलता है। इसमें आपको 4 लीटर और 250 ml और 100 ml की बॉटल्स आपको दस्तियाब होंगी। और इसके साथ साथ आप जब फाइनल में पहुंचेंगे तो फाइनल में पहुंचने के बाद आपको एक ग्रैंड तोहफा दिया जाएगा फरहान अली वारिस सिटी की जानिब से। थर्ड आने वाले को 120 गज का प्लॉट, सेकंड आने वाले को 200 गज का प्लॉट और फर्स्ट आने वाले को 400 गज का प्लॉट दिया जाएगा, जो कि फरहान अली वारिस सिटी, ये हमारा अपना प्रोजेक्ट है और ये नूरियाबाद पे वाक़ है। और जिस तरह से आज के दौर में घर चलाना मुश्किल है, घर बनाना बहुत नामुमकिन सा हो गया, उस मुमकिन को, नामुमकिन को मुमकिन अल्लाह के हुक्म से बनाने की कोशिश की है, तो इंशाल्लाह आपको वो दिया जाएगा। ये इसकी मालियत जो है वो 5 लाख से ज़्यादा की है, कुछ 5 लाख हैं, कुछ उससे कम है। लेकिन जो लोग हमें अभी लेना चाहते हैं प्लॉट, वो उसको 60% डिस्काउंट हम अभी से दे रहे हैं। बाकी तफसीलात सोशल मीडिया पर आप देखिएगा। हम अपनी
अपना सेगमेंट शुरू करते हैं। टीम ए से हम पहला सवाल करते हैं। टीमें तैयार हैं? जी बिल्कुल। पहला सवाल, हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का लकब क्या था और वो क्यों मशहूर थी? ताहिरा लकब था। बिल्कुल। मशहूर क्यों थी? तिजारत के हवाले से। बिल्कुल, तिजारत के हवाले से नहीं, ये लकब क्यों मशहूर था? इसलिए कि वो उनकी पाक दामनी की वजह से भी, ठीक है, ले तिजारत भी था। आपका सवाल, आपका जवाब बिल्कुल सही मान लेते हैं। वो कौन सा मकाम है जो खातिम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निशाने कदम से मुशाबहत रखता है? रियासुल जन्ना। गलत जवाब, वो है मकाम इब्राहिम। तीसरा सवाल, किस रात के बारे में कहा गया है कि इस रात की इबादत हजार रातों से? लैलतुल कद्र। बिल्कुल सही जवाब। आइंस्टाइन कब और कहाँ पैदा हुए? आइंस्टाइन जर्मनी में पैदा हुए और 1879। बिल्कुल सही जवाब। पांचवा सवाल आपका है कि रेडियो कब और किसने ईजाद किया? ग्राहम बेल ने। नो, गलत जवाब, मार्कोनी ने ईजाद किया और ये 1901 में ईजाद हुआ। चलिए बी से हम पहला सवाल करते हैं। टीम बी से, किस मौके पर मुसलमानों को नमाजों का नमाज मुख्तसर करने का हुक्म दिया है? किस मकाम पर? सफर के मौके पर। बिल्कुल सही जवाब। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की विलादत किस शहर में हुई? मिस्र में। गलत जवाब, कनान में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस उम्र में काबे के अंदर हजर अस्वद नसब फरमाया? क्या उम्र थी उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उम्र मुबारक क्या थी? 15 साल। गलत जवाब, 35 साल की उम्र में। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम को क्या नाम दिया जाता, क्या किस नाम से पुकारी जाती है? हजरत हूद अलैहिस्सलाम, नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम है, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हे वाव दाल, पास करते हैं। उनकी कौम को कहा जाता है कौम आद। ज्योमेट्री के लुगवी मायने क्या है? ज्योमेट्री के लुगवी मायने क्या है, यानी उर्दू में क्या कहते हैं? पास करते हैं। चलिए टीम सी से पहला सवाल, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किस बदबख्त ने शहीद किया, ज़िबा किया, शहीद किया? शिमर ने किया, शिमर मलाउन ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया था। आप जवाब नहीं दे पाई, ये जवाब आपको आना चाहिए था एज अ मुसलमान। खैर, दूसरा सवाल, अयामे बैज चांद के किन तारीखों को कहा जाता है? रिपीट कर सकते हैं प्लीज? अयामे बैज चांद के किन तारीखों को कहा जाता है? ताक तारीखों को। जी, ताक तारीखों को। बिल्कुल नहीं, ताक नहीं है, ताक नहीं है इसमें। हाँ, ताक भी इसमें आ जाती है लेकिन प्रॉपर ताक नहीं है। लेकिन आपका सवाल सही नहीं है, इसमें 13वीं, 14वीं और 15वीं रात, ठीक है। अगला सवाल, ताक में वो काउंट नहीं होंगे हमारे पास? नहीं, 13वीं तो काउंट होगी, 14वीं काउंट नहीं होगी ना, ठीक है। चलें तीसरा सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजदा को ख्वाब में इसमें अहमद, जो नाम अहमद है, वो किसने बशारत फरमाई? अल्लाह के हुक्म से किसने बशारत दी थी? बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, अब ये बताइए कि सैयदतुन निसाइल आलमीन किसका लकब है? सैयदतुन्निसाइल आलमीन, तमाम आलमीन की औरतों की सरदार, बीबी फातिमा। बिल्कुल सही जवाब, हजरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अच्छा, अब बताइए कि कार्टून फिल्मों का मौजूद कौन है? कार्टून फिल्मों का मौजूद, मौजूद, मौजूद बनाने वाला, जिसने इजाद की कार्टून फिल्म्स? वॉल्ट डिज्नी। चलिए अब चलते हैं दूसरे राउंड की जानिब। दूसरा राउंड है बजर राउंड। बजर राउंड में आपको तस्वीर दिखाई जाएगी, सवाल सुनिएगा, बजर दबाकर उसका जवाब दीजिएगा, वरना गलत जवाब पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। दिखाई जाने वाली शख्सियत कौन है और इनका ताल्लुक किस मुल्क से है? तस्वीर दिखाइए स्क्रीन पर। जी, थोड़ा माइक पे जोर से बोलिए। कनाडा के सदर हैं जॉन कैनेडी। नहीं, कनाडा से तो है लेकिन इनका नाम आपने गलत बताया, इनका नाम है जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो, सही है। चलें, अब ये जवाब तो आपका गलत हो गया। दूसरी तस्वीर दिखाई जाने वाली जो तस्वीर है, इसमें शख्सियत का नाम बताइए, ये कौन है स्क्रीन पर? पास करें, पास करें तीनों टीम। ओके,
ये जो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, जो आवाज सुनाई जा रही है, ये किस परिंदे की आवाज है? जरा गौर से सुनिएगा, ऑडियो सुनिएगा। टीम ए, कोयल। बिल्कुल सही जवाब। तस्वीर में दिखाई जाने वाली शख्सियत कौन है, नाम बताइए जल्दी से स्क्रीन में देखिए। टीम बी, बिल्कुल सही जवाब। अब आपने माइक के करीब आकर बोलिएगा, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, मुईन अख्तर। पांचवा सवाल, यानी तस्वीर आपको दिखाई जाएगी, बल्कि तस्वीर नहीं, अब हम आपको आवाज सुनाते हैं। आवाज सुनिए और बताइए ये किन की आवाज है। जी आवाज सुनाइए। हमने अपनी मुसीबत। टीम सी, कायदे आजम। बिल्कुल सही जवाब। आज आज टीम्स कभी कभी अच्छी जा रही है और कभी कभी अभी बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली उन्होंने आवाज तेज ली है ना मौलाना साहब। अब देखिए तीसरा राउंड है, बजर राउंड। ये बजर राउंड वो है जिसमें काया पलट जाती है जनाब, किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। तैयार हैं? एक मिनट दिया जाएगा टीम ए को, आपसे सवाल किया जाता है। टाइम शुरू होता है, टाइमर लगाइए प्लीज। टाइम शुरू होता है आपका अब। पहला सवाल, सूरह फातिहा में कुल कितनी आयात है, सात या नौ? सात। बिल्कुल सही जवाब। कुरान की कौन सी सूरह है जिसका नाम लोहे के नाम पर है? पास। सूरह हदीद, कौन सी सूरह है जिसकी तिलावत जादू को तोड़ देती है, सूरह बकरा या सूरह काफिरून? सूरह काफिरून। बिल्कुल सही जवाब। पाकिस्तान के आइन के तहत पहली बार कौमी शनाख्ती कार्ड कब जारी हुआ, 1970 में, 1973 में? 73। बिल्कुल सही जवाब। दुनिया का पहला नजरियाती मुसलमान मुल्क कौन सा है, सऊदी अरब या पाकिस्तान? सऊदी अरेबिया। गलत जवाब, पाकिस्तान। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर अमरीका के किस शहर में वाक है, कैलिफोर्निया या न्यूयॉर्क? न्यूयॉर्क। बिल्कुल सही जवाब। कायदे आजम 1913 में किस शहर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के रुकन रहे, दिल्ली या आगरा? दिल्ली। गलत जवाब, आगरा में। किस मुल्क के पास ऑयल का सबसे बड़ा जखीरा है, सऊदी अरेबिया या सऊदी अरेबिया? गलत जवाब। टाइम अप। टीम बी के पास हम चलते हैं। पहला सवाल, हिटलर की पार्टी को उर्फ आम में क्या कहा जाता है, डेमोक्रेटिक पार्टी या नाजी? नाजी। बिल्कुल सही जवाब। आजादी के बाद पाकिस्तान को सबसे पहले किस मुल्क ने तस्लीम किया, सऊदी अरबिया या ईरान? ईरान। बिल्कुल सही जवाब। कायदे आजम पेशे के एतबार से क्या थे, वकील या बिजनेसमैन? वकील। बिल्कुल सही जवाब। पाकिस्तान का नेशनल स्लोगन क्या है, पाकिस्तान जिंदाबाद या सबसे पहले पाकिस्तान? पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल सही जवाब। बहरीन के दारुल खिलाफा का नाम बताइए, मनामा या पनामा? पनामा। गलत जवाब। मनामा है। आपने जवाब पहले गलत दिया। अच्छा अगला सवाल है, बेल्जियम के दारुल खिलाफा का नाम बताइए, बार्सिलोना या ब्रसल? बार्सिलोना। गलत जवाब, ब्रसल्स। दो कौमी नजरिए के बानी कौन थे, मौलाना मोहम्मद अली जॉर्ज या सर सैयद अहमद खान? सर सैयद अहमद खान। बिल्कुल सही जवाब। इनमें से तहरीक खिलाफत के रुकन कौन थे, राजा गजनफर अली या मौलाना मोहम्मद अली जॉर्ज? मौलाना मोहम्मद अली जॉर्ज। बिल्कुल सही जवाब। लियाकत अली खान को रावलपिंडी में कब कत्ल किया गया, 17 सितंबर 1951 या 16 सितंबर 1951? 16 सितंबर। बिल्कुल सही जवाब। 17 अक्टूबर 1958 को पहला आइन किसने मनसूख किया, यहया खान या इस्कंदर मिर्जा? यहया खान। गलत जवाब, इस्कंदर मिर्जा। टाइम अप। टीम सी की तरफ चलते हैं। पहला सवाल, पाकिस्तान की सबसे बड़ी दरामदी शय या प्रोडक्ट कौन सी है, इंपोर्ट जो की जाती है सबसे बड़ी कौन सी, गैस या तिब्बी सामान? गैस। बिल्कुल सही जवाब। कौन सा मंसूबा पाक चीन तावुन की सबसे बड़ी यादगार समझा जाता है, कराची गवादर हाईवे, शाहराह कराकरम? गवादर हाईवे। नहीं, गलत जवाब, शाहराह कराकरम। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स यानी ASF का हेडक्वार्टर कहाँ वाक है, इस्लामाबाद में या कराची में? इस्लामाबाद। गलत जवाब, कराची में है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इदरीस अलैहि सलाम की मुलाकात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहाँ हुई, शबे बरात में हुई या शबे मेराज में हुई? शबे मेराज। गलत, बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब। हजरत सालेह अलैहि सलाम किस कौम में पैदा हुए, कौम समूद में या कौम नूह में? कौम समूद। बिल्कुल सही जवाब। हजरत असवद कौन से नबी, कौन से पैगंबर तलाश करके लाए थे, हजरत इस्माइल अलैहि सलाम या हजरत याकूब अलैहि सलाम? हजरत इस्माइल अलैहि सलाम। बिल्कुल सही जवाब। हजरत शाह वली अल्लाह का ताल्लुक किस शहर से, लाहौर से या वली, लाहौर से या दिल्ली से? दिल्ली। बिल्कुल सही जवाब। किस गैर मुल्क में पहली बार पाकिस्तान का परचम लहराया गया, फ्रांस या अफगानिस्तान? फ्रांस। बिल्कुल सही जवाब। बहुत अच्छा खेले आप लोग, रैपिड फायर में बड़ी एनर्जी थी, एक जोरदार तालियां इन सब के लिए होनी चाहिए। अच्छा अब हम साथ साथ ही रिजल्ट अनाउंस करते हुए चलते हैं कि टीम ए के पास हमारा क्या स्कोर। आप जो जरा अपना अपना बताइए, जरा टीम ए का बताइए क्या स्कोर है। टीम बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? सी।
सी। आपको क्या लगता है? बी। आपको उरूज को लगता है सी, बी। हिना को लगता है बी, आपको बी। आपको क्या लगता है? बी। चलें जी देखते हैं रिजल्ट क्या आया है। तो जनाब हमारी जो टीम ए है उसने हासिल किए हैं 70 पॉइंट्स। टीम बी ने हासिल किए हैं 80 पॉइंट्स और टीम सी ने हासिल किए हैं 90 पॉइंट्स। तो टीम सी हुई है आज की विनर। और मैं बताऊं आपको कि आप जब आप शुरू में बहुत लो थी, मैंने कहा ना रैपिड फायर में काया पलट जाती है, टीम सी बहुत लो थे आप लोग, लेकिन आपने रैपिड फायर में बड़ा कमाल कर दिया। आपको जाएगा वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की जानिब से एक स्पेशल गिफ्ट जो कि जीतने वाली टीम को जाएगा। ये 1,00,000 रुपए की मेंबरशिप है 1 साल की। अच्छा एक चीज की करेक्शन कर लेते हैं, वो उसमें आप वो जो जो जादू को तोड़ देती है वो सूरा जो है वो सूरा बकरा नहीं बल्कि सूरा काफिरून है। सूरा बकरा है, आपने पहले सूरा उसमें कर दिया तो उसको सेट कर लीजिएगा। सूरा बकरा है जो जादू को तोड़ देती है, ठीक है। अच्छा अब ये जो गिफ्ट वाउचर्स हैं ये एक्सप्रेस की जानिब से आप तमाम ही कंसर्टेंट को दिए जाएंगे जिन्होंने इस मुकाबले में हिस्सा लिया। ये आप सबको दे दीजिएगा प्लीज, ठीक है। और जामे शीरी की जानिब से ये बड़ा गिफ्ट हैम्पर जो है वो फातेह टीम को जाएगा। और बाकी पामोलिव नेचुरल की जानिब से इकर्षी जामे शीरी की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, पामोलिव नेचुरल्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, तिफिल डायपर्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएंगे और FAW फरहान अली वारिस बाई हिमानी की जानिब से बॉडी स्प्रे एंड परफ्यूम्स एंड ऑलिव ऑयल दिया जाएगा। और अब हमें इंतज़ार है आप में से कौन फातेह होता है जो फरहान अली वारिस सिटी में 120 गज, 220 गज और 400 गज के प्लॉट को जीत कर जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम टीम्स के लिए, बहुत सारी तालियां। हम आप हमारे लिए फख्र हैं और आपके लिए FAW की जानिब से ये जाएंगे परफ्यूम्स और तमाम गिफ्ट। देखते रहिए प्यारा रमजान। लेकिन 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 उससे पहले हमारे दरमियान मौजूद हैं एक ऐसे नात खान जिनको आपने हमारी पिछले दिनों में भी सुना था और आज भी वो महफिल में नूर बिखेरने के लिए तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? आज कलाम हो जाए उसी तरह दोबारा, ये दोबारा से मज़ा आ जाए। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, वाह 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 वाह, मेरे आका का मनसब जो वाह 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 वाह, क्या बात है। सारे नबियों के ओहदे बड़े बड़ा है और ना
उसका नजारा किया है। मैं यहाँ से तुम्हें क्या बता दूँ मुस्तकिल उनकी चौखट अता हो मेरे महबूब ये इल्तिजा है कि कोई पूछे तो ये कह सकूं मैं माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन कलाम। नाज़रीन आते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद, देखते रहिए प्यारा रमज़ान। और स्क्रीन पर आपके नंबर मौजूद हैं, मौलाना आज़ाद जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वज़ाइफ के लिए आप उनसे सवाल कर सकते हैं कॉल करके, लेकिन एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली फारिस। ये वक्त हुआ है प्यारा वजीफ़े का, आपकी स्क्रीन पर नंबर मौजूद हैं और आप कॉल करके वज़ाइफ के हवाले से सवालात कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम मौलाना आज़ाद जमील साहब। अस्सलाम वालेकुम, इस सेगमेंट में दोबारा आपको अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, अल्लाह का एहसान। रिजवान भाई ने माशाल्लाह समा बांध दिया, शेख रिजवान भाई ने माशाल्लाह कमाल आज आपने कलाम पढ़ा दोबारा। मौलाना साहब सबसे पहले तो क्योंकि आज सात रमज़ान है, जो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि रोज़ का भी एक वजीफ़ा होता है ना हर रमज़ान के, तो आज सातवें रमज़ान का क्या वजीफ़ा है, आज का वजीफ़ा क्या है? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहान भाई आज सातवां रोज़ा है, तो सातवें रोज़े के एतबार से जो मुजर्रब वजीफ़ा है वो है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका ला अहदन समदन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सौ दफ़ा जो इन आयात का विर्द करेगा बिलखसूस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कलमे की बरकत से उसे सहर और जादू से महफूज रखेंगे, इस सातवें रोज़े के एतबार से है। बाकी आपने बहुत खूबसूरती के साथ जिस कदर हैवानात का जिक्र किया, मेरे ख्याल में इस खूबसूरती के साथ कोई इंसानों का नहीं करता। आपने बिल्कुल वो अहसन तकवीम के ज़ुमरे में अपने आप को डालते हुए जब आप वहाँ गए, जो एक ऐसी मखलूक है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर बेजुबान जानवर न होते और मासूम बच्चे न होते और ज़ईफ़ बूढ़े लोग न होते तो अल्लाह ताला ये ज़मीन व आसमान का निज़ाम बंद कर देता। अल्लाह अगर ये तीन किस्म के ओहो यानी मखलूक न होती, अच्छा बेजुबान जानवर और मासूम बच्चे और बूढ़े अफराद अगर ये न होते जो इस वक्त शायद ज़मीन पर बोझ लोगों को महसूस होते इस वक्त। अगर आप देखें मालदारों के कुत्ते, मालदारों के जानवर टोनी मोनी
वो चिकन खाते हैं, वो मटन खाते हैं, वो बीफ खाते हैं, वो उसके साथ दूध पीते हैं और गरीब के बच्चे कचरे के ढेर पे खाना चुनते हैं। कहीं तो कॉन्सेप्ट ये है कि इंसान जानवर से भी नीचे चला गया है और कहीं कॉन्सेप्ट ये है कि इंसान को लोगों ने अपने सर से भी ऊपर रखा हुआ है। लेकिन जब हम देखते हैं अदल के एतबार से, अल्लाह के नबी अदल के साथ दीन को पेश करके गए हैं। हज्जतुल विदा में आपने यही ऐलान किया कि दीन मुकम्मल हो गया, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना। अल्लाह इस्लाम से राजी हुआ और इसमें कुल कायनात की जितनी भी मखलूकात हैं इनके हकूक बयान किए गए। अब जानवरों के एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए तो आपने देखा कि एक हिरनी एक सहाबी की कैद में है। आप करीब आए, आपने उसकी तरफ देखा, वो हिरनी कहने लगी, या रसूलल्लाह मुझे बांधा हुआ है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने उसको दूध पिलाना है, वो प्यासे भूखे बैठे हुए हैं, अगर आप इनसे मेरी जमानत ले लें और मैं जाके दूध पिला के वापस आ जाऊं और उन्हें ये कह दूं कि अब तुम्हारी माँ लौट के नहीं आएगी, तो अल्लाह के नबी ने हिरनी की तरफ देखा कि तू वापस आएगी, कहा मैं आपको झूठा होने नहीं दूंगी, मैं आऊंगी। वो हिरनी गई, गई जैसे गई थोड़ी देर में वापस आई तो अल्लाह के नबी ने अपनी शान के मुताबिक के जो बहरो बर के सरा सुरैया नूरी नारी खाकी आबी इंस जिन्स, आपने पूछा कि इतनी जल्दी कैसे आ गई, कहा मैं बच्चों के पास गई और मैंने कहा कि सरवर कायनात ने मेरी जमानत ली है, आज तुम ये दूध बख्श दो, इतला देने आई हूँ, शायद वापस ना आ सकूं। अल्लाह के नबी उस सहाबी की तरफ में तवज्जो हुए, अगर आप इस हिरनी को मेरे लिए हदिया कर दें और छोड़ दें तो ये बड़ा एहसान होगा तुम्हारा। तो उन्होंने भी कहा कि या रसूलल्लाह हाजिर। तो वो हिरनी आपकी तरफ देखने लगी, आपने फरमाया ए हिरनी तू आजाद है। जब वो जाने लगी तो थोड़ा दूर जाते फिर वापस देखती और यूं सर जाती, थोड़ा दूर जाती और फिर सर यूं करती। तो फिर आपसे पूछा गया ये क्या कह रही है, कहा ये मेरा शुक्रिया अदा कर रही है। सुभान आपके आपके खुद फरहान भाई आपकी चार ऊंटनियां थी, कसवा जदा अजबा शहबा, आपके दो गधे थे उफैर याफूर, आपके दो खच्चर थे दुलदुल फिज़ा, आपके दो ऊंट थे अस्कर और फालब, आपकी नौ बकरियां थी, दुलदुल तो घोड़ा घोड़ा था ना, दुलदुल और अस्कर घोड़ा थे, घोड़ा तो इसके साथ आपके दो ऊंट थे अस्कर और फालब, नौ आपकी बकरियां थी, एक बकरा था और वो आपकी जिंदगी में फौत हो गया, उसका नाम भी तारीख ने रखा है कि युम्न, उसका नाम युम्न था। तो तारीख ने इतनी बारीक बीनी से आपके साथ, और आपने जानवरों के हकूक देखे कि जानवरों के नाम रखे, तो इसके साथ ही जब आप घर में दाखिल होते तो वो बकरी का जो बच्चा था वो भिदकने लगता था, लेकिन जब आप घर में दाखिल होते वो खामोश हो जाया करता। तो ये थोड़ी सी तमहीदी गुफ्तगु इस खूबसूरत ट्रांसमिशन में जानवरों के हकूक, जो ऐसा ही एक वाक़या जो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, वैसी उनकी औलाद इमाम रज़ा अलैहि सलाम के दौर में भी ऐसे ही वाक़या पेश आया जिस पे इमाम रज़ा का लकब ज़मीन आहू कहा जाता है, उन्होंने भी इसी तरह एक ऐसा ही है, ऐसा ही है। एक कॉलर ले लें ताकि वज़ाइफ़ का सिलसिला भी शुरू हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कॉल मेरे ख़ास लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फरहान भाई आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बहन। आप कहाँ से बोल रही हैं और किस शहर से बोल रही हैं, क्या नाम है? मेरा नाम ईशा अब्बास है और मैं गोत्रा से बात कर रही हूँ। अच्छा जी जी, फरमाइए क्या सवाल करना चाहेंगी मौलाना आज़ाद जमील साहब से? पहले फरहान भाई मैं आपकी ट्रांसमिशन बहुत शौक से देखती हूँ और जब आप अदाकारी के लिए गोत्रा में आती है कमर शाह की तरफ तो भी मैं बहुत आपको सुनने के लिए जाती हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बेटा, सलामत रहें, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे। कोई वज़ाइफ के हवाले से सवाल करना चाहेंगी मौलाना आज़ाद जमील साहब से? जी जी फरहान भाई मैं ना ये सवाल करना चाहती हूँ कि मैं 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती हूँ, कुरान पाक भी पढ़ती हूँ माशाल्लाह, और अच्छा साथ की भी तस्बीह करती हूँ, लेकिन मुझे ज़हनी और दिली सुकून नहीं आता, पता नहीं क्यों। अच्छा बेटा मैं अभी आप टीवी देखते रहिए, इसका जवाब आपको मौलाना आज़ाद जमील साहब देते हैं। कहती हैं कि मैं नमाज पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और सारी इबादत करती हूँ, लेकिन इस्तग़फ़ार की तस्बीह भी पढ़ती हूँ, लेकिन ज़हनी और कल्बी सुकून मैसर नहीं है, इसके लिए कोई वजीफा बता दें। जी अच्छा, जो फ़र्द इबादत में मसरूफ़ हो और वो ये समझता है कि शायद
मेरी जो खुशू है और खुजू है वो उस जानिब नहीं है। तो हर फर्ज नमाज के बाद सजदे की हालत में जाए और अपने आप और हाथ यूं फैला के अपने आप को ये तसव्वुर करे कि वो बैतुल्लाह के नीचे जहाँ से मुल्तज़िम है उसके ऊपर से जो पानी की आबशार नीचे आती मीज़ाब रहमत, तो मीज़ाब रहमत के नीचे अपने आप को यूं तसव्वुर करके महसूस करे जैसे वहाँ की रहमत का फिलबदी इल्हामी ज़हूर मुझ पर हो रहा है। तो जो इस कैफियत के साथ या हय या क्यूम बेरहमत का अस्तगीस पड़ेगा इंशाल्लाह 7 दिन वो ये अमल करे जो ये अमल करेगा या करेगी उसे इबादत का एक अजीब लुत्फ मिलेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस फरमाई का जो इबादत का लुत्फ चाहता है वो अपनी आंखों की बदनजरी से अपने आप को बचाए। वाह जबरदस्त। अगली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। मैंने पूछना है जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मेरा नाम लाइबा नूर है और मैं भेरा से बात कर रही हूँ। लाइबा नूर है, भेरा से बात कर रही हैं। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी। मेरा नाम लाइबा नूर है जी। जी और आप भेरा से बात? अस्सलाम वालेकुम। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम लाइबा नूर है जी और मैं भेरा से बात कर रही हूँ। जी बेटा आप लाइबा नूर है, आप भेरा से बात कर रही हैं, ये हमने सुन लिया। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ माशाल्लाह, आपकी दोनों बेटियाँ बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू बहुत शुक्रिया। भेरा पे तो हम जब मोटरवे पे जाते हैं तो भेरा पे हम लोग अक्सर खाना भी खाते हैं मोटरवे पे। भेरा जबरदस्त। अच्छा माशाल्लाह जी, आप भेरा इमाम बरगा भी आए थे, मैंने आपको देखा था वहाँ पर। जी 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 बहन बिल्कुल। अच्छा बताइए क्या वज़ाइफ के हवाले से सवाल करना चाहेंगी मौलाना आजाद जमील साहब? सबसे पहले तो आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मेरे नसीब अच्छे करे, मुझे कामयाबी दे। और हमारे घर में मसाइल बहुत हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा वगैरह, तो जी जरूर जी। ठीक है ठीक 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 बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप पूछ लेते हैं, आप टीवी देखते रहिए। ये कहती हैं कि एक तो मेरे नसीब के लिए आप दुआ करें कि अल्लाह इनके नसीब अच्छे करें हमारी बहन के इंशाल्लाह इलाइमेन, और दूसरा कुछ फैमिली मैटर्स हैं घर के इनके जो ज़ाहिर टीवी पर नहीं बता सकते। परेशानियाँ, हाँ परेशानियाँ हैं वो घर में, जो लड़ाई झगड़े घरेलू जैसे होते हैं ख़ानदान में, वो किस तरह से हल हो सकते हैं वज़ाइफ के ज़रिए? जी अच्छा, जिनके साथ भी ऐसे इशूज़ हों जो वो किसी को ज़ाहिर नहीं करवा सकते, तो पर्सनल मैटर्स होते हैं और वो एक प्राइवेसी ऐसी होती है। अल्लाह पाक ने भी किरामन कातिबीन को छुपाया हुआ है, नेकियां बदियां छुपी हैं। जी जी। तो इसके साथ ही लई सलाह मिंदूनिल्लाह काशिफा, 21 दिन 100 दफ़ा जो इस आयत का विर्द करेगा तो उसकी जो भी परेशानी होगी, दोबारा रिपीट कर दीजिए, लई सलाह मिंदूनिल्लाह काशिफा, ठीक है, जो भी इस आयत का विर्द करेगा 21 दिन 100 दफा अल्लाह ताला उन्हें हर परेशानी से आजाद कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज ये एक बात जरूर याद रखिएगा कि कोई भी वजीफा जब तक असर नहीं करता, जब तक आप खुद बावजू ना हो या नमाज के पाबंद ना हो, यानी जो वाजिबात हैं वो आप अदा करें उसके बाद फिर वजीफा करें। ऐसे ही है, ऐसे ही, ऐसे ही। एक कॉल और ले लेते हैं। हेलो, मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गई है। बहुत शुक्रिया आज़ाद जमील साहब, मौलाना आज़ाद जमील साहब आपका, कि आप इतनी अच्छी रहनुमाई फरमाते हैं और इसके साथ साथ आप वज़ाइफ भी बताते हैं और इसके अलावा जो हमारा रोज़ का मौजू होता है उस पर भी आपकी कुछ बात। भाई ब्रेक का वक्त हुआ है, हाँ, उसके बाद फिर हम अपनी बात को दोबारा कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। देखते रहिए प्यारा रमज़ान, आते मुख्तसर से वक्फे के बाद। अभी ये बज़्म सजी हुई है, मौलाना आज़ाद जमील साहब भी और शेख रिजवान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। बज़्म सजी हुई है, हम्द व नात मनकबत की, और हमारे दरमियान मौलाना आज़ाद जमील साहब मौजूद हैं, शेख हसन साहब मौजूद हैं और हुसैन अराई साहब मौजूद हैं जो तिलावत कुरान पाक भी तिलावत फरमाते हैं और यहाँ पर अजान मग़रिब भी वही देते हैं और ख़ुद बाचा बहुत अच्छे नात खान भी हैं। हर शख्स अपनी अपनी ड्यूटियाँ दे रहे हैं। मौलाना आज़ाद जमील साहब आप अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, आपकी अपनी एक अल्लाह की बारगाह में एक नौकरी है। जी जी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौकरी आप और हम कर रहे हैं और यही सबसे बड़ी नौकरी है बेशक, ये समझे कि यकीन के साथ के बादशाहत से बड़ी नौकरी है। तो इसी मौजू पर एक कलाम के चंद अशार आपकी हसीन समातों को नजर करता चलूं। हासिल
मोहम्मद के गुलामों को धोखा करते हैं गुलाम, इनके फकीरी में भी शाही शहनशाही से भी कीमती है, तख्त से भी बड़ी बड़ी, ताज से भी हसी हसी नौकरी है, तख्त से भी बड़ी बड़ी, ताज से भी बड़ी बड़ी का जिक्र कर रहे हैं, तो तख्त से भी बड़ी बड़ी, ताज से भी हसी हसाकरी है, मुस्तफा की जो ये नौकरी है, मुस्तफा की जो ये नौकरी है, शहनशाही से भी कीमती है, शहनशाह है ये सब अंबिया के, शहनशाह है ये सब अंबिया के, सब नबी के दर के सनागर, वो सलमान बूजर या कंबर, सब के सब इनके दर के हैं नौकर, सब फरिश्तों का सरदार है, जो उसको भी नौकरी मिली है, मुस्तफा की जो ये नौकरी है, शहनशाही से भी कीमती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ना दुनिया में छोड़ा अकेला, ना आखिरत में छोड़ेंगे, और ना ही कब्र में मेरे आका हमें बेहाल छोड़ेंगे, बेयारों मददगार नहीं छोड़ सकते। देखिए वहां भी करम, देखिए अल्लाह के हुक्म से मेरे सरकार क्या मदद फरमाते हैं कि कब्र में जब फरिश्तों ने देखा मैं हूं मसरूफ जिक्र नबी में, भूल बैठे सवालात सारे, झूम उठे वो इश्क नबी भी, कब्र में खूब महफिल सजी है, कब्र में खूब महफिल सजी है, मुस्तफा की जो ये नौकरी है, शहनशाही से भी कीमती है। इस बात की गवाही देता हूँ और आप सब भी इस बात की गवाही दीजिएगा, आप सब जाहिर है इस पाक जिक्र के लिए कभी इस शहर कभी उस शहर कभी इस मुल्क कभी उस मुल्क जाते हैं और फिर हमें जो इज्जत और एहतराम मिलता है। देखिए हर इंसान जब नौकरी करता है ना तो उसकी उजरत मिलती है, या तो महीने में मिलती है या रोज उसको उजरत दी जाती है। उजरत देखिएगा क्या है, ये उजरत का छोटा सा हिस्सा है, ये पूरी उजरत नहीं है, उजरत का छोटा सा हिस्सा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो अता होता है कि अपने नौकर को मेरे नबी ने, अपने नौकर का मेरे नबी ने मर्तबा इस तरह है बढ़ाया, दुनिया भर में जहां भी गया मैं मुझको दुनिया ने सर पे बिठाया, झुक के मिलती है मुझसे ये दुनिया, नौकरी की ये उजरत माशाल्लाह, नौकरी की ये उजरत, कौन सी नौकरी, मुस्तफा की जो ये नौकरी है, शहनशाही से भी क्या बात है,
ये मदहफाने मोहम्मद जो पहुंचा मदहफाने मोहम्मद जो पहुंचा अहले जन्नत ने आंखें बिछा दी फूल बरसाए सब अंबिया ने शम्मे तौहीद है सु जला के मुस्तफा की जो ये नौकरी है शहनशाही से भी हमारी मोहब्बत यानी इस्लाम दीन इस्लाम मोहब्बत प्यार और अखुवत का मजहब है और इस्लाम ने सिर्फ ये नहीं सिखाया कि सिर्फ मुसलमान ही से प्यार करो बल्कि हर इंसान से प्यार करो किसी पर जुल्म ना करो और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा सिर्फ मुसलमान ही के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए हर मखलूक के लिए दरख्त के लिए पहाड़ के लिए चरिंद के लिए परिंद के लिए सबके लिए रहमतुल आलमीन है तो हमारी मोहब्बत का पैमाना भी रसूल की मोहब्बत और हमारी अदावत का पैमाना भी रसूल से अदावत जिसने की उससे हमने अदावत की है यानी जो रसूल से प्यार करता है वो अल्लाह से प्यार करता है और जो रसूल से बुग्ज़ रखे या गुस्ताखी करे वो अल्लाह से गुस्ताखी करता है तो ये आज जो रमज़ान ट्रांसमिशन में आप देख रहे हैं ये जो इस वक्त पैनलिस्ट बैठे हैं सब ये सब एक इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन का एक अमली नमूना है और पूरी दुनिया में आप जहाँ जहाँ भी लोग देख रहे हैं टेलीविजन में एक शेर पढ़ने लगा हूँ ये अकीदा जिस मुसलमान का ना हो वो मुसलमान क्या वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है ये हम सब मिलकर एक शेर पढ़ेंगे और एक अमली नमूना पेश करेंगे कि हमारा ईमान और हमारा यकीन किस बात पर है कि जो है गुस्ताख मेरे नबी का उससे नफरत है फरहान मुझको वो जहन्नम का ईंधन बनेगा ये बताता है कुरान मुझको एक साथ खड़े होंगे मौलाना आजाद जमील साहब भी हुसैन नारायण साहब भी और शेख रशीद रमजान साहब भी एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़कर ये मिस्रा हम कहेंगे दुश्मनी मुस्तफा मेरा दुश्मन उनके आशिक से बस दोस्ती है उनके आशिक से बस दोस्ती है के आशिक से बस दोस्ती है मुस्तफा की जो ये माशाल्लाह 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 अल्लाह से दुआ है माशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे इस मोहब्बत और प्यार को जो इस वक्त सेट पे नजर आया है पूरी दुनिया में ऐसा कायम हो जाए आमीन और सिर्फ नजर आने की सूरत में नहीं बल्कि दिली तौर पर भी हम सब रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से वाबस्ता हो जाए अहले बैत अलैहिस्सलाम के दर से वाबस्ता हो जाए कि जिसके लिए रसूल खुदा इरशाद फरमा कर गए थे कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गना कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ कुरान और अहले बैत अगर तुमने इनको मेरे बाद अगर तुमने इनका सहारा लिया तो तुम ये हदीस का मफहूम है इनका सहारा लिया तो तुम भटकोगे नहीं बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इसी तरह मुत्तहिद रखे और जैसा अल्लाह चाहता है मेरे रसूल चाहते हैं हमें वैसा बनाते हैं वक्त दुआ है नाज़रीन और आज की इस दुआ के साथ साथ एक दुआ और करनी है कि जितने लोग भी इस वक्त परेशान हाल हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमाए जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार में वाला इजाफा फरमाए एक कलाम हम पढ़ते हैं ताकि उस कलाम में ज़रा आंसू बहते हैं तो अल्लाह कहता है कि जितना गिड़गिड़ा कर तुम दुआ करते वरना अल्लाह हमें कभी चाहता नहीं कि वो हम रोएं लेकिन ये वाहिद मनाजात का वक्त ऐसा होता है जिसमें अल्लाह चाहता है कि हमारी आंखों से आंसू निकलें और अल्लाह हमारी दुआओं को जल्द कबूल फरमाए तो फरहान भाई अगर रोना ना आए रोने वाली शक्ल बना जी रोना ना आए तो ऐसी शक्ल बना लें तो आइए एक मनाजात के लिए हम सब दस्ते दुआ को बुलंद करते हैं मौलाना आजाद जमील साहब हुसैन नारायण साहब और शेख
रिजवान साहब मौजूद हैं और साहब आप सब जो टेलीविजन देख रहे हैं हमारे साथ मिलकर शामिल है, दुआ हो जाए। इफ्तार का वक्त है, कबूलियत का वक्त है। तेरे सिवा है बंदे का परवरदिगार को, तेरे सिवा है बंदे का परवरदिगार को, या रब तेरे करम का करेगा शुमार को, या रब तेरे से मांग कर तो देख मैं तुझे कैसे अता करता हूं, जो मांगना है मांग मेरे बंदे मुझसे मांग, जो मांगना है मांग मेरे बंदे मुझसे मांग, देगा ये आसियों सजदा रेज होते हैं, हम तुझी से मांगते हैं, तू ही है इबादत के लायक, तेरे अलावा और कोई इबादत के लायक भी नहीं, तेरा वो दर है कि जिस दर पर किसी चीज की कमी नहीं। मेरे मालिक हम अपने अंदर के इंसान को जानते हैं मगर उससे ज्यादा तू अपनी रहमत को जानता है, मेरे मालिक हम अपने गुनाहों को जानते हैं मगर उससे ज्यादा तू कबूल करने वाला है, तू दुआओं को और हमारी तोबा को कबूल करने वाला है। या बारे लाहा हम गुनाह पे गुनाह करते तो जाते हैं मगर तू हमारे ऐब पर पर्दे भी डालता है। या बारे लाहा इस रमजान के महीने में हमसे जो भी खताएं हुई, चाहे जानबूझकर हुई चाहे जानबूझकर नहीं हुई, मेरे मालिक तू सबकी खताओं को माफ फरमा दे। या बारे इलाहा जो बेरोजगार है उनको रोजगार अता फरमा दे, जो बे औलाद है उनको औलाद अता फरमा दे, जो बेगुनाह असीर है उनको रिहाई अता फरमा दे। या बारे इलाहा तुझे अपने हबीब का वास्ता, या बारे इलाहा तुझे उसकी आल का वास्ता, या बारे इलाहा तुझे उस वक्त का वास्ता कि जब तेरा दीन इस्लाम बचाने के लिए तेरे प्यारे हबीब के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सजदे में अपनी गर्दन को कटाया, सजदेगा शुमार कौन, सजदे में सर गले पे छुरी, शबीर सा मिलेगा इबादत गुजार को, या रब तेरे करम का करेगा शो।
तू हजार माओ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, करोड़ माओ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है मेरे मालिक। जब हम खता करते हैं और तेरी बारगाह में पशेमान होते हैं, तू हमें माफ कर देता है। या बारे ला, जब हमें थोड़ी सी भी चोट लगती है, जब हमें थोड़ी सी भी चोट लगती है, तो हम तेरी बारगाह में ऐसे ही गिड़गिड़ाते हैं या बारे ला, जैसे अपनी माँ की आगोश में एक बच्चा गिड़गिड़ाता है, क्योंकि तू करोड़ माओ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। मेरे बारे ला, तू ना किसी का बाप है ना किसी का बेटा, मगर उसके बावजूद भी तू करोड़ माओ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है या बारे ला। इंसान जब दुनिया से दिल बर्दाश्ता हो जाता है, तो तेरी बारगाह में सजदे में आकर ही अपनी खताओं का एतराफ करता है, और इस यकीन के साथ कि तू माफ करने वाला करेगा शुमार को। मालिक जो तू न दे तरजा वक्त दुआ है। अपनी दुआ मनाजात का सिलसिला जारी रखें। हम मुख्तसर से वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وبشروا بالجنة التي كنتم توعدون यार आप लोग को रोज रोज बताना पड़ेगा अजान के वक्त कब आएगा पोडियम, कब पैनलिस्ट आएंगे, कब ये दरवाजा बंद होगा, कब टीवी की चीजें सही होंगी। दरवाजा बंद करो वो पीछे वाला। क्या बच्चे लगाती है चूती है पीछे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक नाज़रीन आप देख रहे हैं प्यारा रमज़ान और हम इस वक्त अफ्तार के दस्तरखान पर बैठे हैं दुआओं के कबूलियत के जो फ़ज़ाइल हैं ना उसमें ये बात मिलती है कि आप दस्तरखान पर बैठकर दुआ करें तो वो एक कबूलियत का वक्त होता है और फिर अफ्तार का दस्तरखान रोज़गारों के साथ और फिर मैं अकेला नहीं तमाम लोग रोज़ेदार हमारे साथ मौजूद हैं और एक नन्ही सी रोज़ेदार भी हमारे साथ मौजूद हैं जवेरिया जावेद अस्सलाम वालेकुम जवेरिया कैसी हैं आप सलाम कैसी हैं मैं बिल्कुल ठीक कैसा गुजरा रोज़ा आपका बहुत अच्छा हाँ जी परेशानी तो नहीं हुई गई नहीं। आज पहला रोज़ा था आपका नहीं पहले भी रख चुकी हैं जी हमारे साथ आपका पहला रोज़ा था यानी हमारे साथ आपने पहली बार रोज़ा अफ्तार किया जवेरिया क्या करती हैं पढ़ती हैं अभी आप जी कौन सी क्लास में फिफ्थ में है माशाल्लाह और आज तो फिर आप स्कूल गई थी आज जी जल्दी आ गई थी या यहाँ आने के लिए ज़ाहिर है आपको तैयार होना होगा या अपने टाइम से ही आई टाइम से कौन कौन आया साथ भाई आए जी भाई ने भी रोज़ा रखा अब ये अपने भाई को भी रोज़ा अफ्तार कराना बल्कि उन्होंने कर लिया होगा वहाँ पे रोज़ा अफ्तार कैसा लगता है कि जब हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं रोज़ा रखते हुए माशाल्लाह और हमें अपना बचपन याद आ जाता है कुछ सालों पहले की तो बात है कि हम भी इतने अच्छा ये बच्चों से मैं अक्सर सवाल करते हैं ना कि भूख ज्यादा लगी है प्यासी हम बचपन में बहुत लगते थे पैसे ही प्यास लगती अब तो कंट्रोल करना हमें आ ही गया है ये किसी ना किसी तरह लेकिन जो बच्चों को नहीं पता होता ना शुरू में बड़े परेशान हो जाते हैं कि क्या करूँ बहरहाल नाज़रीन ये नेमतें अल्लाह की हैं जो हम तनावुल कर रहे हैं शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में अल्लाह का ये तो चूँकि हमारी ट्रांसमिशन में हमारी टीम की जानिब से चीज़ें हैं कुछ हमारे शेफ़ उरूज ने कुछ चीज़ें बनाई हैं जैसे बर्गर बनाया है और रोज़ कोई ना कोई चीज़ बनाती हैं फ्रूट मार्केट से आ जाते हैं ये सारी चीज़ें एक जगह जमा हो जाती हैं लेकिन हमें इसके एक एक दाने का ख्याल रखना है कि ज़ाया ना हो और एक एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हर चीज़ पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है क्योंकि जितनी चीज़ें हमें मैसर हैं हो सकता है और यकीनन बहुत सारे लोगों की चीज़ें मैसर नहीं हैं तो आप जब भी दस्तरखान पर बैठें तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और उन लोगों के लिए ज़रूर दुआ किया करें कि जिनके पास ये वसाइल नहीं कि वो दो वक्त की रोटी खा सकें बल्कि सिर्फ दुआ ही नहीं बल्कि दुआ के साथ ये अमल करना भी ज़रूरी है कि हम किस तरीके से अपने बहन भाइयों का ख्याल रख सकते हैं हम रोज़ा अफ्तार करने से पहले हमें यकीन रखना चाहिए इस बात पर और इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या हमारी फैमिली में कोई भूखा तो नहीं क्या हमारे पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं या हमारे रिश्तेदारों में कोई ऐसा बंदा तो नहीं या ऐसी कोई फैमिली तो नहीं कि जो जिस तरह हम अफ्तार कर रहे हैं इससे महरूम हो तो नज़र रखना ज़रूरी है अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको ये तौफीक दे कि हम इसमें हुकूकुल्लाह भी अदा कर सकें और हुकूकुल इबाद भी अदा कर सकें तो रोज़ हम इंशाल्लाह 3:30 बजे आते थे अब हम 3 बजे आना शुरू हो गए अब हम रोज़ 3 बजे आया करेंगे दोपहर 3 बजे प्यारा रमज़ान में आपसे मुलाकात हुआ करेगी और इसी तरह से दोबारा से फिर वही शेफ उरूज होंगी डॉक्टर हिना होंगी और कारी साहब हुसैन नारायण साहब आज़ाद जमील साहब होंगे और कल जैसे आज जवेरियाँ हैं कल एक और कोई बच्चा या बच्ची होंगी जिन्होंने रोज़ा रखा होगा अपना बहुत ख्याल रखिए इस अपने पन के साथ डॉक्टर आमिला के साहब का मशहूर जुमला है ना कि इस अपने पन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा देखते रहिए प्यारा रमज़ान आते हैं
कल 3 बजे। हाँ, ये गिफ्ट उरुज, ये गिफ्ट आपको दिया जाए। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।